चलो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम रिवीजन क्लास में डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन क्लास में ट्रांसफ़र प्राइसिंग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। उम्मीद करते हैं कि ये दो क्लास में पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। अच्छा वेटेज है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिवीजन कराऊंगा जो मैंने क्लास में नोट्स आपको लिखवाए हैं वहीं से। सेक्शन 92 से 92F तक ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले एक छोटा सा समरी इंट्रोडक्शन। सेक्शन 92 कहता है, ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। सेक्शन 92 कहता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने किया है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है तो इन दोनों की इनकम का कंप्यूटेशन, मतलब इस ट्रांजैक्शन से जो आपको इनकम जनरेट हुई उसका कंप्यूटेशन आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से किया जाएगा। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ प्राइस से वर्कआउट किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं 92B में लिखा गया है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं 92BA में लिखा गया है। पहले हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। शर्त यह है कि इसमें से एक कम से कम नॉन रेजिडेंट हो। दोनों नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं बट एक का NR होना अनिवार्य है। अगर दोनों रेजिडेंट हुए तो ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नहीं कहलाएगा। एसोसिएट एंटरप्राइज किसे कहेंगे, रिलेटेड पार्टी, जिसमें 92A में बताया गया है। डिस्कशन करके आज हम देखेंगे किसे कहेंगे। आर्म्स लेंथ प्राइस को कंप्यूट कैसे करते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस को कंप्यूट करने के लिए सेक्शन 92C मेंशन है। सेक्शन 92C बताता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला जाएगा। उसमें मेथड्स बताए गए हैं। कितने मेथड बताए गए हैं, 5। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, अगला रिवाइज कीजिए। कॉस्ट प्लस मेथड, अगला रिवाइज कीजिए। रीसेल प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड उन्होंने जो भी प्रेस्क्राइब करेंगे वो मान लिया जाएगा। ओके, आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और आर्म्स लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन आपने कैसे किया उसके लिए डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ CA की रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है जिसमें यह बताया जाता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन किस मेथड से किस प्रकार किया गया है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट के वक्त ये पाता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं की गई है और उसे खुद करने की ज़रूरत है तो वो चाहे तो उसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर के पास रेफ़र कर सकता है। ये सेक्शन हमको क्या बताता है बेटा, ये सेक्शन हमको बताता है कि अगर सरकार कहती है कि कुछ ट्रांजैक्शन में अगर सरकार के बताए हुए प्रतिशत प्रॉफिट आप बता देते हो तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस से हम दूर रखेंगे। उसे कहते हैं सेफ हार्बर रूल। अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन हर साल कर रहे हो, बार बार कर रहे हो इंडिया में एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, तो आप अगर चाहो तो CBDT के साथ बैठकर उसका एग्रीमेंट बनवा सकते हो एडवांस में। इसे कहते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। और अगर आपने एग्रीमेंट बनाया तो ये सेक्शन इसका इफेक्ट बताता है कि क्या इफेक्ट होगा। सपोज आपने एग्रीमेंट साइन करवा लिया, उसके बाद आपका ITR फाइल हुआ, ITR पहले फाइल हुआ, एग्रीमेंट बाद में साइन कराया, तो इम्पैक्ट क्या आएगा। ये क्या कहता है 92CE क्या कहता है, 92CE कहता है कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, अगर 80 करोड़ का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो खर्चे के रूप में, यानी इंडिया का कोई व्यक्ति 80 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है खर्चे के रूप में, रॉयल्टी पे करता है आउटसाइड इंडिया, और उसे आर्म्स लेंथ प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है और आर्म्स लेंथ प्राइस आता है 50 करोड़। इसका मतलब 30 करोड़ का उसने एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकर्ड किया, ये डिसअलाउड हो जाएगा। अब डिसअलाउड करने का काम प्राइमरी एडजस्टमेंट का है। यानी प्राइमरी एडजस्टमेंट के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर उस व्यक्ति की आमदनी को 30 करोड़ से इंक्रीज कर देगा। ये था प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या कहता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कहता है कि ये जो 30 करोड़ हमने डिसअलाउड किए हैं ये अज्यूम किया जाएगा कि इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज ने फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज को बोरो के लोन दिया था। मनी लैंड किया था। और अगर 90 दिन के अंदर अंदर आप उस पैसे को लेकर नहीं आते इंडिया, तो हम एक डमी, एक फिक्शन, एक डमी इंटरेस्ट को कंप्यूट करेंगे और आपकी इनकम में जोड़ देंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का। 92 सेक्शन क्या कहता है, अब हम शुरू कर रहे हैं। 92 सेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोनों के लिए कहता है। कहता है एवरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन shall be computed having regard to the arm's length price, and specified domestic transaction shall also be computed having regard to the arm's length price। यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी आमदनी से रिलेटेड हो, मे बी लॉस, इंटरेस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है। सेम इसके लिए भी बताया गया है। नेक्स्ट, इफ इनकम रिड्यूसेस एंड लॉस इंक्रीजेस, क्या मतलब हुआ इसका बताइए। 92 सेक्शन क्या कहता है, ये सब सेक्शन 3 है। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर आर्म्स लेंथ आपने लगाया और आर्म्स लेंथ लगाने से एसएससी का फायदा हो गया, कैसा फायदा हो गया भाई, इनकम इंक्रीज हो गई या लॉस रिड्यूस हो गया। उल्टा बोल दिया मैंने, इनकम रिड्यूस हो गया या लॉस इंक्रीज हो गया। अगर एसएससी का फायदा हो गया तो आर्म्स लेंथ प्राइस चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, यानी सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा। बोलिए बात समझ आई। तो क्या कहता है सब सेक्शन 3, बोलिए। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगाया और इनकम कम हो रहा है, लगाने पर, लगाने के बाद इम्पैक्ट उसका आता है, इनकम कम हो गया या लॉस बढ़ गया, तो टीपी चैप्टर लागू नहीं होगा। 92B कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक प्योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग जो पढ़ रहे हो अभी पढ़ रहे हो, आप अभी भी इसको ऐसा मान सकते हो। प्योर मतलब क्या, प्योर मतलब बिना देखे बताइए। प्योर मतलब क्या होगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होता है जिसमें से एक कोई एटलीस्ट एनआर है, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। बताइए ट्रांजैक्शन किस नेचर का हो सकता है, आंसर है किसी भी नेचर का। हो सकता है आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो सकता है आप एसेट बेच रहे हो, एसेट रेंट पे दे रहे हो, मनी बोरो कर रहे हो, मनी लेंड कर रहे हो, किसी भी काइंड का ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर ये ट्रांजैक्शन दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुआ और कम से कम उसमें एक कोई नॉन रेजिडेंट है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। प्योर, बताइए प्योर और डीम्ड में क्या फ़र्क होगा। डीम्ड में ये होता था कि ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में नहीं हो रहा, नॉन रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा है, लेकिन जो नॉन रिलेटेड पार्टी है उसने दूसरे पार्टी के एसोसिएट एंटरप्राइज से प्रायर एग्रीमेंट करवाया हुआ है। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल देखिए और बताइए मुझे, होश में एग्जांपल देके बताइएगा। यहां देके बताइए, ए लिमिटेड इंडिया में है, बी लिमिटेड यूएस में है और ये एसोसिएट है, ठीक है। सी लिमिटेड जापान में है, ये भी एसोसिएट है, ठीक है। तो बताइए इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंटरनेशनल है या नहीं। इन दोनों के बीच में हो रहा है तो, इन दोनों के बीच में हो रहा है तो भी है, क्यों नहीं है। एक कम से कम एनआर होना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति एनआर होना चाहिए। यहाँ दोनों एनआर है, इट इज़ ओके। अगर इसका इम्पैक्ट इंडिया की आमदनी पर पड़ेगा तभी तो सरकार लगाएगी, लेकिन कंडीशन है एक कम से कम एनआर होना चाहिए। तो आंसर है इस बार ए, बी और बीसी सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आएंगे। नेक्स्ट, ए लिमिटेड इंडिया में है, बी लिमिटेड यूएस में है और वाई लिमिटेड ब्रांच है जापान में, इसका ब्रांच है जापान में। ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो बताइए इनके बीच ट्रांजैक्शन। अब नहीं पढ़ के थोड़ी ना बोलना है, आप दिमाग लगाइए। ए लिमिटेड कहाँ है, इंडिया में, और ब्रांच कहाँ है इसका, यूएस में, और यहाँ एक और ब्रांच कहाँ है, जापान में। देखिए आप इसे देखेंगे तो मज़ेदारी नहीं आएगी, आपको लॉजिक देना पड़ेगा। इंडिया में हेड ऑफिस है और इसका ब्रांच यूएस में है। इंडिया में हेड ऑफिस है और इसका ब्रांच यूएस में है और ब्रांच जापान में है। तो ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज अलग अलग नहीं माने जाएंगे। कैसे नहीं माने जाएंगे भाई? ये कौन है? ए लिमिटेड। बताओ ए लिमिटेड क्या कहलाया? रेसिडेंट। अरे इंडियन कंपनी है तो क्या कहलाया? तो जब ए लिमिटेड रेजिडेंट है तो इसके सभी ब्रांच चाहे पूरे वर्ल्ड में हो रेजिडेंट होंगे। अगर ए लिमिटेड इंडिया का रेजिडेंट है तो ये भी रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट। तो यहां जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दिख तो बाहर वाले रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? रेजिडेंट के बीच, दो रेजिडेंट के बीच। आर आर एनआर है ही नहीं इसमें, क्योंकि आप ब्रांच का वही स्टेटस लेते हो जो हेड ऑफिस का स्टेटस होता है। तो ए लिमिटेड रेसिडेंट है इंडिया का, उसके सभी ब्रांच पूरे वर्ल्ड वाइज रेजिडेंट कहलाएंगे। तो मेरी शर्त क्या थी कि एटलीस्ट एक रेजिडेंट होना, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। वो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आप तुक्के में आंसर उल्टा पुल्टा दे रहे थे या सही दे रहे थे, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था। अभी आप समझे कि मैंने ये क्यों मना किया? क्यों मना किया? क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये आर के स्टेटस में है। ये तो सभी आर हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए। आप इसके आंसर पर मत जाइए, बताइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। जी लिमिटेड अमेरिका में है तो नॉन रेजिडेंट हुआ, बताइए एनआर हो गया ये। अब इसके इंडिया में एक ब्रांच है, बताइए वो भी एनआर हो गया या नहीं? और यहाँ पर एक ब्रांच जापान में, वो भी एनआर हो गया या नहीं? अगर ये सभी एसोसिएट माने जाएं तो इन सब के बीच के ट्रांजैक्शन को आप क्या कहोगे? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब आते हैं हम डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के। डीम्ड में क्या होता है? डीम्ड में ये होता है कि ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड के बीच होता है। जैसे ए और बी दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, ट्रांजैक्शन बी और सी के बीच में हो रहा है। गौर कीजिएगा कि सी चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और सी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड के बीच में है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये एसोसिएट नहीं है, लेकिन इसका जो एसोसिएट है उसके साथ इस व्यक्ति का पहले से एग्रीमेंट है। तो बताइए पहले से एग्रीमेंट किसके बीच होगा? ए और सी के बीच प्रायर एग्रीमेंट है कि किस टर्म्स कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन होंगे, इसका तय पहले से हो चुका है इनके बीच। तो सरकार कहती है ऐसे में ये ट्रांजैक्शन माना कि एसोसिएट के बीच नहीं हो रहा, फिर भी डीम्ड इंटरनेशनल कहलाएगा। डीम्ड इंटरनेशनल में एक और खास बात है, क्या? देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो प्योर था उसमें दो पार्टी, दोनों एसोसिएट होने चाहिए और एक कम से कम एनआर होना चाहिए। जब हम डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वहां जो दो पार्टी हैं वो एसोसिएट नहीं होते हैं और दोनों में से कम एक एनआर होना चाहिए, ऐसी शर्त भी नहीं है। जैसे एग्जांपल ये आर है और अगला बंदा ये भी मे बी आर हो सकता, अगला बंदा में भी आर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिखवा दिया कि ये इंडिया का भी हो सकता है ब्रांच, इंडिया की कंपनी भी हो सकती है और विदेशी कंपनी भी हो सकती है। ये आर भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इसका। प्योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में दोनों एसोसिएट होने चाहिए और उनमें एक एनआर होना जरूरी है। बट जो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मैं रटवा रहा हूँ, आप ये मत समझे रिवाइज करा रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ। तो जो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसमें दोनों पार्टी एसोसिएट नहीं होंगे और दोनों में से एक का एनआर होना अनिवार्य भी नहीं है, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब आइए स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। क्यों बताइए? सेक्शन 92 क्या कहता था? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोनों आर्म्स लेंथ से निकलेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं वो हमें मालूम हो गया। अब हम ले रहे हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। पहले यहाँ पर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में पहले यहाँ पर तीन चीज़ें हुआ करती थी जिसमें से एक काट दिया गया। पहले जो ये सेक्शन 48(2) था जिसमें आपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया था मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, तो वो भी स्पेसिफाइड में यूज़ किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता। अब क्या है, जब आप सेक्शन 80 पढ़ते हो 80, सेक्शन 80 पढ़ते हो 80, 80 कैपिटल ए जब आप पढ़ते हो सेक्शन 80 कैपिटल ए, जिसमें लिखा गया है कि चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन इनकम बेस्ड है, अगर उस डिडक्शन को मिसयूज किया जा रहा हो, जैसे एसएससी का एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, दूसरा यूनिट बाहर है, और चूंकि यहाँ पर जो भी लाभ आप कमाएंगे उस पर टैक्स तो आपको देना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आदमी यहाँ का प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट कर रहा है ताकि यहाँ टैक्स फ्री हो सके। ऐसा काम अगर करता हुआ कोई पाया जाता है तो इसके ट्रांजैक्शन को मार्केट वैल्यू से वर्कआउट करते हैं, ये सेक्शन 80 कैपिटल ए में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर एक व्यक्ति सेज में है और उसका कोई क्लोज कनेक्शन दूसरा व्यक्ति सेज में नहीं है और वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहा है, तो इसके ट्रांजैक्शन को भी मार्केट वैल्यू से निकालते हैं, ये लिखा हुआ है 80 ए में। मैं समझाता हूँ, अभी मैंने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं समझाया, अभी मैंने वो नहीं समझाया, अभी मैंने ये समझाया कि एक व्यक्ति का एक यूनिट ऐसी जगह है जहाँ जितना भी लाभ कमाइए सारा डिडक्शन में चला जाएगा, और दूसरा यूनिट ऐसी जगह है जहाँ जितना भी लाभ कमाएंगे टैक्स लगेगा। इस बंदे ने यहाँ से एक ट्रांजैक्शन करवाया, या तो यहाँ से यहाँ करवा दिया ट्रांजैक्शन, या यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन करवा दिया, जिसके वजह से प्रॉफिट शिफ्ट हो रही है, मार्केट से अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन करवा दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस ट्रांजैक्शन को हम मार्केट रेट से कैलकुलेट करेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं, मार्केट रेट। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से ज्यादा के वैल्यू का है पूरे साल में, तब हम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इसका नाम रखेंगे, और अब मार्केट रेट नहीं आएगा, अब आएगा लेंथ प्राइस। समझ आए? एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन 92A दो सब सेक्शन में बटा हुआ है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सुनिए। 92 कैपिटल ए, सब आप चिंता मत किया करो। रिवीजन में सबसे पहले गलती क्या होती है बच्चे से, बच्चे चिंता करके बैठते हैं कि यार इतना बड़ा टॉपिक है, आज ना जाने कहाँ तक पहुँचेंगे, कहीं जल्दी जल्दी में छूट ना जाए, कहीं जल्दी जल्दी में समझ नहीं आया तो, कहीं स्लो चलते चलते पूरा नहीं हो पाया तो, इन सबको चिंता में मत लाइए। अभी क्या करिए कि अभी सर हमको पढ़ा रहे हैं 92A एसोसिएट एंटरप्राइज किसे कहते हैं, तो अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए कि एसोसिएट एंटरप्राइज किसे कहते हैं। और मुझे सुनिएगा, मेरे शब्द को सुनिएगा, दो हिस्सों में बटा हुआ है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में कोई भी रिलेशनशिप मेंशन नहीं है, आपको याद होगा बुक में आप देख सकते हो, सबसेक्शन 1 में कोई रिलेशनशिप मेंशन नहीं है। जैसे अगर मैं रिवीजन कराते कराते आपको बुक भी चेक कराऊं, बुक दिखाऊं, बुक मुझे खोल के रखना चाहिए था, ये देखिए, ये देखिए 92A सबसेक्शन 1 में देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सादा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक दूसरे के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है या कंट्रोलिंग करता है तो उसे हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलते हैं, यानी इसमें स्पष्टता कुछ भी नहीं है। जबकि सबसेक्शन 2 में बहुत स्पष्टता है कि कैसे हम एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे। इसमें हम 12 रिलेशन को डिस्कस करते थे, दो दो के तीन बनाते थे ग्रुप, दो दो व्यक्ति के 3 ग्रुप बनाते थे और 3-3 के 2 ग्रुप बनाते थे, तो ऐसे 12 हो जाता था, याद आया हो आपको। तो सबसेक्शन 1 फिर किस लिए बना हुआ है, सबसेक्शन 1 देखिए किस लिए बना हुआ है, हेड ऑफिस और ब्रांच को एसोसिएट एंटरप्राइज बनाने के लिए। बुक में जरूरत नहीं है, बुक को आप रख दो साइड, बुक तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, जैसे भी जरूरत पड़ेगा बुक आपको दिखाऊंगा, आप बस यहाँ देखो हेड ऑफिस और ब्रांच, इनको आपस में एसोसिएट बनाने के लिए सबसेक्शन 1 है। क्योंकि अब सबसेक्शन 2 को अगर आप देखोगे तो वहाँ तो लिखा हुआ है कि एक ने दूसरे के 26% इक्विटी होल्ड किए, एक ने लोन दिया दूसरे को, है ना, एक के डायरेक्टर को दूसरे ने अपॉइंट किया। लेकिन यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच को हमेशा हम एसोसिएट एंटरप्राइज मानकर चलेंगे, हमेशा। ये कैसे पॉसिबल होगा, सबसेक्शन 1 से पॉसिबल होगा, इसलिए सबसेक्शन 1 को रखा गया है। हेड ऑफिस ब्रांच को क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में भी प्रॉफिट शिफ्टिंग हो सकता है। अगर एक विदेशी कंपनी बैठा है और इंडिया में वो ब्रांच है और उसके थ्रू उसके दूसरे ब्रांच को कोई सर्विस दी गई या उसके किसी और पार्टी को सर्विस दी गई, तो उसको भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर करके आर्म्स लेंथ प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए सबसेक्शन 1 बनाए। तो सबसेक्शन 1 क्या कहेगा कि अगर हेड ऑफिस है और ब्रांच है तो ये आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे, क्योंकि दूसरे के मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल यहाँ से पार्टिसिपेट होते हैं। मेनली हमें याद रखना है सबसेक्शन 2, दो दो के 3 ग्रुप बनाने हैं, 2 इक्विटी 2 लोन और 2 डायरेक्टर। 2 इक्विटी 2 लोन 2 डायरेक्टर, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, अब 3-3 के 2 ग्रुप बनाने हैं, 3-3 के 2 ग्रुप, एक कंट्रोलिंग के लिए मैं कुछ बनाता हूँ, उसका रॉ मटेरियल 90% या मोर आपसे लेता हूँ, है ना, या मैं जो बिजनेस करता हूँ उसका वो किसी इंटेंजिबल एसेट पे डिपेंड करता है, वो सारा कंट्रोल आपके पास है, या मैं 100% सामान आप ही को बेचता हूँ। शुरू करते हैं, पहले 2-2 के 3, 2 इक्विटी, एक ने दूसरे के 26% या उससे ज़्यादा पूरे साल में कभी भी इक्विटी होल्ड कर रखा है तो ये दोनों एसोसिएट माने जाएंगे। अगर इसने इसके 26% होल्ड कर रखे हैं और इसने इसके भी 26 होल्ड कर रखे हैं तो ये दोनों एसोसिएट माने जाएंगे। भाई ये दोनों तो पॉइंट नंबर ए में आ गए, ये दोनों भी पॉइंट नंबर ए में ही आ गए, ये पॉइंट नंबर बी में एसोसिएट माने जाएंगे। अगर एक व्यक्ति के, एक कंपनी या व्यक्ति, एक एंटरप्राइज के टोटल एसेट्स, एक एंटरप्राइज के टोटल एसेट्स के 51% से ज़्यादा लोन दे रखा है दूसरे ने तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज आपस में माने जाएंगे। बताइए इसका 51% कितना हुआ? 1300 करोड़, और इन्होंने 1326 करोड़ का लोन दे रखा है तो 51% से ज़्यादा अगर लोन दे रखा है, एक के एसेट के 51% से ज़्यादा अगर लोन दे रखा है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या था? एक ने अगर लोन ले रखा है, जैसे कि क्यू लिमिटेड इंडिया ने 90 करोड़ की बोरोइंग की है, अब इसके बोरोइंग के 10% या उससे ज़्यादा इसने बैंक गारंटी दे रखी है तो बोथ आर कंसीडर्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। तो 2-2 के 2 जोड़े बन गए। अब तीसरा जोड़ा बनाने जा रहा हूं, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के आधे से ज्यादा अपॉइंट कर रखा है। जैसे LINC के पास 10 डायरेक्टर हैं, आधा कितना होता है? 5, आधे से ज़्यादा कितना हुआ? 6, 7, 8, 9, 10। अगर दूसरे एंटरप्राइज ने 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं, एक्चुअली में, नॉट पावर टू अपॉइंट, एक्चुअली में अपॉइंट कर रखे हैं तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। या एक भी, या इस 10 डायरेक्टर में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट इसने कर दिया तो आधे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम्हारे डायरेक्टर में आधे से ज़्यादा मैंने अपॉइंट किया, या एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने अपॉइंट कर दिया तो हम तुम एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। क्लियर है जी? अच्छा, यहाँ पर कंपनियों के लिए जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वैसे ही अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें, या कंपनी में भी डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी की बात करें तो गवर्निंग बोर्ड सामने आता है। गवर्निंग बोर्ड जिसे रखा गया है डे टू डे डेली डिसीजन मेकिंग के काम के लिए। या अगर कंपनी की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमको दिखता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नहीं है, वहाँ कौन है? गवर्निंग बोर्ड। तो गवर्निंग बोर्ड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह ही कार्य करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर हैं तो गवर्निंग बोर्ड में मेंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इधर एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो आप बताइए डायरेक्टर के नाम पर बोलिए कैसे एसोसिएट माने जाएंगे? अगर आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर में आधे से ज़्यादा मैंने अपॉइंट किया, या एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किया। दूसरा, गवर्निंग बोर्ड, अगर आपके गवर्निंग बोर्ड में आधे से ज़्यादा मेंबर मैंने अपॉइंट किया, या एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर मैंने अपॉइंट किया तो ई नंबर पॉइंट, कौन सा नंबर पॉइंट है? ई नंबर पॉइंट में हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो ए इक्विटी का था, बी भी इक्विटी का था, सी और डी लोन का था, ई डायरेक्टर का है। अब सुनिए, ई के बाद एफ क्या है? एफ मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप और मैं ई नंबर के अंदर एसोसिएट एंटरप्राइज है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा मैंने अपॉइंट किया होगा या एक एग्जीक्यूटिव मैंने अपॉइंट किया होगा। और मैं और राम ई नंबर के अंतर्गत एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो आप और राम एफ नंबर में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाओगे। सेम है, जैसे हमने इक्विटी का सेकंड पॉइंट देखा था वैसे ही है। ये हो गए दो दो के तीन जोड़े, दो इक्विटी हो गया, दो लोन हो गया। लोन क्या था बताओ भाई मनीष बाबू, लोन क्या था? दो इक्विटी के हो गए और दो लोन के हो गए। बताइए लोन के दो कैसे? याद करना है, देख के थोड़ा ना बताना है, अभी याद करने में बैठे हैं। बोलिए, आपके पास अगर 100 रुपये का एसेट है तो मैंने आपको 51 रुपये या उससे ज़्यादा का लोन दे रखा है। सेकंड, नेक्स्ट लोन वाला, अगर आपने लोन ले रखा है 50 रुपये का तो 5 रुपये की मैंने बैंक गारंटी दी, तो हम लोग एसोसिएट एंटरप्राइज। डायरेक्टर के दो हो गए, आपके अंदर जो आधे से ज़्यादा डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किया या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किया, या हम और आप डायरेक्टर की वजह से एसोसिएट हैं और मैं और राम डायरेक्टर की वजह से एसोसिएटेड हैं, तो आप लोग फिर एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाओगे। अब हम 3-3 के दो जोड़े बना रहे हैं, दो ग्रुप बना रहे हैं, 3-3 के दो ग्रुप। पहला, यहाँ पर क्या है कि Y लिमिटेड एक बिजनेस कर रहा है, Y लिमिटेड एक बिजनेस कर रहा है। ध्यान से देखिएगा रिवीजन में, बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे ट्रेडिंग का हो या सर्विस प्रोवाइडिंग का हो, ये बिजनेस पूर्ण रूप से निर्भर करता है किसी नो हाउ, पेटेंट एक्सेट्रा पर। पूर्ण रूप से, मेनली ये बिजनेस इसी पर चल रहा है। जैसे आपने इंडिया में लेवाइस का ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, लेवाइस जीन्स का ट्रेडिंग शुरू कर दिया, तो वो जो आपके व्यापार हैं वो पूर्ण रूप से लेवाइस के ही ट्रेडमार्क पे डिपेंड कर रहा है। उसी का ट्रेडमार्क है, उसी के हिसाब वजह से चल रहा है, लेवाइस के ही शोरूम है तो उसी की वजह से चल रहा है। तो आप और बाहर का जो लेवाइस जीन्स की कंपनी है एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाओगे। तो इंडिया में जितने भी मैगडी हैं वो यूएस मैगडी के साथ एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि मैगडी का बिजनेस ही उसके फॉर्मूले पे चल रहा है, जो फॉर्मूले से वो मैगडी बनाते हैं। अब बात समझ आ रही है आपको? तो एक जो इंडिया में बिजनेस करे या बाहर बिजनेस करे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक जिस जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस किसी खास इंटेंजिबल एसेट पे निर्भर है, और उस इंटेंजिबल एसेट का ये मालिक है या इसके पास एक्सक्लूसिव राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है, या तो ये मालिक है या इसके पास क्या है, इस इंटेंजिबल एसेट का एक्सक्लूसिव राइट है। नेक्स्ट, एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। गौर कीजिए, इसके ठीक पहले में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग सब था। अब यहां क्या है कि एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में इनको चाहिए रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल जितना भी इनको चाहिए उसका 90% और मोर ये सप्लाई कर रहा है। या तो ये सप्लाई कर रहा है या इसके द्वारा बताया गया व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, और टर्म्स कंडीशन ये तय कर रहा है। दोनों बातें हैं, मैं SINC फ्रांस, आप P लिमिटेड इंडिया, आपको 120 करोड़ का टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल चाहिए। 120 करोड़ का 90% होता है 108 करोड़। या तो 108 करोड़ मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं तो हम लोग एसोसिएट हुए, या मान लेते हैं 70 करोड़ मैं सप्लाई कर रहा हूं और 38 करोड़ किसी और से सप्लाई करवा रहा हूं, लेकिन वो जो सप्लाई करेगा उसके टर्म्स कंडीशन मैं तय कर रहा हूं, तो मिला के 90 हो गया। तो हम और तुम एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। डाउट पूछने में कोई बुराई नहीं है, आप रिवीजन क्लास में भी डाउट ले सकते हो। नेक्स्ट है, एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर्ड करता है गुड्स का, और ये सारा का सारा गुड्स ये खरीदता है, या इसके द्वारा बताया हुआ दूसरा व्यक्ति खरीदता है जिसके टर्म्स कंडीशन ये तय करता है। दोनों बातें हैं, या तो ये खरीदता है या इसके द्वारा बताया गया दूसरा व्यक्ति खरीदता है, टर्म्स कंडीशन ये तय कर रहा है। दोनों चीजें हैं, तो एसोसिएट एंटरप्राइज माने दोनों जाएंगे। नहीं, वो नहीं माना जाएगा। करेक्ट पूछ रहे हैं आप कि जो सप्लाई कर रहा है वो भी एसोसिएट माना जाएगा क्या? नहीं, मैं और तुम एसोसिएट माने जाएंगे, मैं और तुम माने जाएंगे। फिर उसके साथ जो तुम ट्रांजैक्शन करोगे वो इंटरनेशनल में शायद ना आए, डीम्ड इंटरनेशनल में आ जाए, क्योंकि उसके टर्म्स पहले से मैंने तय कर रखे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब 3 का आखिरी ग्रुप बना रहे हैं। पहला, एक एंटरप्राइज इंडिविजुअल ओन करता है, दूसरा एंटरप्राइज वही इंडिविजुअल ओन करता है या उसका रिलेटिव या वो इंडिविजुअल रिलेटिव मिलकर ओन करता है, तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। फिर से, एक एंटरप्राइज इंडिविजुअल ओन कर रहा है और दूसरा एंटरप्राइज वही इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव या वही इंडिविजुअल रिलेटिव मिलकर ओन कर रहा है, तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो इंडिया में है ये एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, मालिक राम, और ये हांगकांग में जो ये पार्टनरशिप फॉर्म है इसमें पार्टनर राम और राम का भाई है, तो हो गए दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट, एक एंटरप्राइज एचयूएफ ओन करता है, दूसरा एंटरप्राइज उसका मेंबर या रिलेटिव या मेंबर रिलेटिव ज्वाइंटली मिलके ओन करता है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। अगला, ये तो एचयूएफ वाला ही हो गया एग्जाम्पल। अगला, एक एंटरप्राइज पार्टनरशिप फॉर्म है, एक एंटरप्राइज पार्टनरशिप फॉर्म है, एक एंटरप्राइज पार्टनरशिप फॉर्म है और दूसरे एंटरप्राइज ने इस फर्म में अपनी 10% या उससे ज़्यादा ओनरशिप रखी है, तो ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो जल्दी से हम 12 के 12 दोबारा रिवाइज करते हैं। बोलिए, पहला इक्विटी 26% और मोर, दूसरा इक्विटी 26% और मोर, तीसरा 100 रुपये के एसेट पर 51 रुपये का लोन, चौथा 100 रुपये के एसेट पर 10 रुपये का बैंक गारंटी, पांचवा एक बिजनेस इंटेंजिबल पर निर्भर नहीं, पांचवा डायरेक्टर, आधे से ज़्यादा डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दूसरे ने अपॉइंट किया, छठा पांचवें का ही कॉपी पेस्ट, सातवां एक बिजनेस किसी इंटेंजिबल एसेट पर निर्भर दूसरा बिजनेस उसका मालिक, आठवां एक बिजनेस मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड है, उसका 90% दूसरा सप्लाई कर रहा है, नौवां एक बिजनेस जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो गुड्स दूसरा बिजनेस सारा का सारा परचेस कर रहा है, 10वां एक बिजनेस इंडिविजुअल ओन कर रहा है दूसरा बिजनेस इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव मिलकर ओन कर रहा है, 11वां एक बिजनेस एचएफ ओन कर रहा है दूसरा उसका मेंबर या उसका रिलेटिव मिलकर जॉइंटली ओन कर रहा है और 12वां एक पार्टनरशिप फॉर्म है और दूसरा एंटरप्राइज उस पार्टनरशिप फॉर्म में 10% और मोर ओनरशिप रखता है। ये हो गया एसोसिएट एंटरप्राइज। अब आते हैं हम किसमें, बोलिए किसमें आ रहे हैं हम, किसमें आ रहे हैं? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया। आप देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। सेक्शन 92 पढ़ लिया। 92 क्या था? 92 था चार्जिंग। 92 सेक्शन क्या था? चार्जिंग। 92 सेक्शन था चार्जिंग। 92 सेक्शन चार्जिंग था ना, कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा तो आर्म्स लेंथ प्राइस से कैलकुलेट होगा। उसके बाद 92B क्या था? 92B क्या था? मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हम देखकर क्यों बताएंगे, आज ही तो पढ़ा है अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले अगर हमको किसी ने रास्ते में कुछ बोल दिया होता तो वो याद रहता अभी भी हमको, तो ऐसे ये भी याद होना चाहिए। 10 मिनट पुरानी बात हम क्यों भूलेंगे, हम बिल्कुल पागल थोड़ी हैं कि आधे घंटे पहले की बात हम भूल जाएंगे। क्यों भूलेंगे, बात ही तो है। कोई ऐसी चीज़ होती जो कॉम्प्लिकेटेड होता तो हम भूल सकते थे, यहाँ तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 92B कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की परिभाषा और 92BA कहता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की परिभाषा। अगर हमको नहीं भी याद है तो कम से कम 20 करोड़ वाली बात तो याद हो जाएगी। उसके बाद 92A था एसोसिएट एंटरप्राइज कहेंगे किसको। अब हमने 92, 92A, 92B, 92BA ये सब पढ़ लिया। अब 92C की बारी। 92C वही जो मैथड बताता था, जिसमें हम जानते थे कि 5 मेथड तो गिने चुने हाथ पर हैं। एक CUP कप मेथड, एक CPM मेथड, एक RPM मेथड, एक कितने हो गए PSM मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और एक TNMM मेथड। तो हम मेथड पे ही तो आ रहे हैं और मेथड में ही टाइम लगा था रेगुलर क्लास में, तो हम थोड़ा सा आराम से लेते हैं, घबराना नहीं है। सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का हमें निकालना है, वो निकाला जाएगा किसी भी एक मेथड से, लेकिन वो एक इनमें कौन होगा वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि हम आपको 5 मेथड बता रहे हैं, 5 में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है, 5 में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है वो चुन के एक लगाना है। यानी एक से ज़्यादा मेथड लगाना ही नहीं है, लगाना एक ही मेथड है। कैसे तय कीजिएगा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, वो रूल नंबर 10C में बताया गया है, और ये मेथड कैसे निकाला जाएगा वो 10B में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एक से ज़्यादा प्राइस आ गया MAM लगा के, क्या मतलब हुआ? मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड तो लगाया मैंने, लेकिन उस मेथड को लगाने पर भी हमारे पास ALP 1 से ज़्यादा आ गया। जैसे हम कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे 15 ट्रांजैक्शन मैंने पूरे साल में किए हैं, तो पूरे साल में 15 ट्रांजैक्शन किए हैं तो 15 ALP कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर MAM लगाने पर भी एक से ज़्यादा प्राइस आ गया तब क्या करेंगे? तब आप जाएंगे रूल नंबर 10CA में, और रूल 10CA क्या करेगा सर? या तो वो डेटा सेट पे ले जाएगा या एवरेज पर ले जाएगा। देखते हैं कैसे ले जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 क्या कहता था? अभी 3 से पहले 1 बोलो ना। आर्म्स लेंथ प्राइस, 5 मेथड बताए गए हैं, उनमें से एक किसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो जो होना चाहिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आपने चुना, उसके बाद आपने ALP निकाला और ALP 1 से ज़्यादा आ गया, तो आपको 10CA रूल में जाकर पता लगाना चाहिए कि अब क्या करना है। वहाँ 2 ऑप्शन दे देंगे हम, एक डेटा सेट वाला, डेटा सेट परसेंटाइल, और दूसरा एवरेज दे देंगे। वो हम अभी देखते हैं कैसे होगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि 4 परिस्थितियों में आपका ALP मान्य नहीं होगा बल्कि AO कैलकुलेट करेगा। 4 परिस्थितियों में AO तय करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। पहला, अगर आर्म्स लेंथ प्राइस आपने सबसेक्शन 1 और 2 के मुताबिक निकाला ही नहीं, या तो आपने 1, 2 के मेथड ही नहीं लगाए, या मेथड लगाए बट मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं लगाए, मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाए बट एक से ज़्यादा आने पर उल्टा पुल्टा काम कर दिया, ड्यू टू एनी रीज़न सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 के हिसाब से अगर आप नहीं चले तो AO निकालेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। दूसरा, अगर डेटा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो हमने बताया था सेक्शन 92D में आपने उसे मेंटेन नहीं किया तो AO निकालेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। ध्यान से सुनिए, आपने मेंटेन नहीं किया, आपने सच्चाई से लगाया आर्म्स लेंथ प्राइस, MAM कैलकुलेट करके लगाया आर्म्स लेंथ प्राइस, लेकिन जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है उसे मेंटेन नहीं किया, अब नहीं है आपके पास, फाड़ के फेंक दिया, कुछ और कर दिया, तो AO कैलकुलेट करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। नेक्स्ट कहता है डेटा इन्फॉर्मेशन जो आर्म्स लेंथ प्राइस में यूज़ किया है आपने, वो AO के मुताबिक इनकरेक्ट और नॉट रिलायबल है। मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन जो आपने यूज़ किया है वो इनकरेक्ट और नॉट रिलायबल है। और आखिरी कंडीशन कहता है कि अगर SSC से मांगा गया इन्फॉर्मेशन मांगा गया, डेटा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने कहा गया और आपने उसे सबमिट नहीं किया, तो AO डिटरमाइन करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस। तो बताइए AO आर्म्स लेंथ प्राइस कब कब निकालेगा? 4 कंडीशन में, या तो आपने सही से आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं निकाला, या डेटा मेंटेन नहीं किया, इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं किया, या डेटा इन्फॉर्मेशन जो यूज़ किया वो इनकरेक्ट या नॉट रिलायबल है, या आपसे जब मांगा गया डेटा इन्फॉर्मेशन सबमिट कीजिए तो विदिन 30 डेज़ का जो टाइम होता है आपने सबमिट नहीं किया। ओके, सबसेक्शन 4 क्या कहता है बताओ तो ज़रा। अगर AO ने आर्म्स लेंथ कैलकुलेट किया, भाई नो डाउट इनकम बढ़ाएगा वो, क्योंकि इनकम अगर बढ़ ही ना रहा हो तो आर्म्स लेंथ निकलना ही नहीं। अगर एओ ने आर्म्स लेंथ आपका निकाला, आप सुन लीजिए ठीक से, आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, फिर से देख लीजिए। एओ ने अगर आर्म्स लेंथ निकाला, इनकम बढ़ना तो तय ही है, लेकिन अब वो डिडक्शन जो इनकम के ऊपर बेस्ड था, उदाहरण के तौर पे 10AA, जितना प्रॉफिट उसका 100% या उसका 50% डिडक्शन, उदाहरण के तौर पे 80JJA बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से पावर जनरेट करने वाले व्यापारी को शुरुआत के 5 साल 100% का डिडक्शन। कोई भी डिडक्शन जो इनकम बेस्ड था, फॉर एग्जांपल ATIA की पूरी सीरीज, ATI, ATIA, ATIA, AB, ATI, B, ATI, C, ATI, D, ATI, E, पूरी सीरीज, वो दोबारा से रिकम्प्यूट नहीं होगी। तो अगर एओ आर्म्स लेंथ निकालेगा तो क्या परिणाम है उसका? इनकम जो एओ बढ़ाएगा, उस बढ़े हुए इनकम पर आपके डिडक्शन को दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेगा, नहीं तो डिडक्शन भी बढ़ जाएगा। और दूसरा पार्टी जिसका TDS काट कर जमा करा दिया, वो TDS का रिफंड भी क्लेम नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को अमेरिका में 80 करोड़ की रॉयल्टी पे कर दी, आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को अमेरिका में 80 करोड़ की रॉयल्टी पे कर दी। एओ ने आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया, वो रॉयल्टी 80 करोड़ की नहीं आई, 50 करोड़ की आई, लेकिन आपने तो 80 करोड़ पे TDS काट के जमा करा दिया सरकार को। तो क्या वो विदेशी अमेरिकन कंपनी ये क्लेम करेगी कि मुझे TDS का रिफंड मिल जाए क्योंकि 50 करोड़ तय हो गया अब आर्म्स लेंथ प्राइस? आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। तो देखिएगा, दो चीजें हैं। एक, अगर एओ ने इनकम एनहेंस कर दी आर्म्स लेंथ लगा के, तो इनकम बेस्ड डिडक्शन दोबारा से कंप्यूट नहीं होगा। और दूसरा इंपैक्ट बताइए, TDS पेई का रिफंड नहीं होगा। चलिए बताइए, क्लियर है ये आपको? क्लियर है तो फिर से रिवीजन यहां तक देखिए। 92 कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर्म्स और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ से निकलेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92B में बताया गया है, इसने एसोसिएट एंटरप्राइज को रेफर किया था, जो 92A में बताया गया, 92BA में बताया गया स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ निकालने के सेक्शन कौन से? 92C, 92C सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों मेथड के लिए। सबसेक्शन 1 में बताया गया मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, सबसेक्शन 2 कहता है अगर एक से ज़्यादा प्राइस आया तो कैसे करेंगे, सबसेक्शन 3 कहता है एओ बताएगा आर्म्स लेंथ 4 केस में, और सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर एओ ने बताया तो प्रभाव क्या होगा। अब 92C है। एओ जब डिसाइड करता है, एओ जब डिसाइड करता है आर्म्स लेंथ प्राइस, एओ जब डिसाइड करता है आर्म्स लेंथ प्राइस, तो एओ या तो खुद से आर्म्स लेंथ कंप्यूट करेगा, या उस पर ऑप्शन है कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर सकता है। बताइए, कर सकता है कि नहीं? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एओ रेफर कर सकता है। किस सेक्शन में रेफर करेगा दोस्त? 92CA, 92CA मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 92CA की हेडिंग है रेफरेंस टू TPO टू कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस। TPO का मतलब होता है जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या सॉरी नहीं, यही तीनों, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। इन लोगों को इन सेक्शन में जो पावर बताया गया है, ये कौन सा सेक्शन है दोस्त? समन इशू करने का। ये कौन सा सेक्शन है? पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। और ये कौन सा सेक्शन है? सर्वे का पावर, सर्वे का पावर, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, कलेक्ट नहीं कॉल, कलेक्ट के लिए तो 133B था। तो पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन और सर्वे, वो सॉरी समन इशू करना, ये जो इस सेक्शन में जो पावर दिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, वो सेम पावर इसे डेलीगेट किया गया। ठीक है, सब सेक्शन 1, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं बोलो? 92CA सेक्शन पढ़ रहे हैं 92CA। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1, एओ अगर चाहे तो रेफर कर सकता है आर्म्स लेंथ की कंप्यूटेशन किसको? TPO को। बताइए, आर्म्स लेंथ किसके रिगार्डिंग? इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन? दोनों रिगार्डिंग। बताइए, रेफर करने से पहले कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? CIT से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर रेफरेंस आ गया तो TPO SSE को एक नोटिस सर्व करेगा कि दोस्त तुम्हारा कंप्यूटेशन मेरे पास आया है। तो तुम एक काम करो, तुम पे जो भी डॉक्यूमेंट है रिलायबल, जिस पर तुम रिलाई करके कंप्यूट करते हो, वो हमको प्रोड्यूस कर दो। तो एसएससी प्रोड्यूस कर देगा अपने डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन या एविडेंस। सबसेक्शन 3 कहता है टीपीओ उस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन और एविडेंस के बेस पर कंप्यूट करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस, और आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट करके जो उसका ऑर्डर है उसकी कॉपी एओ को भी भेज देगा, बोलिए प्लीज, और एसएससी को भी भेज देगा। सबसेक्शन 4 कहता है, सबसेक्शन 4 कहता है कि टीपीओ कब तक अपना ऑर्डर पास करेगा। सबसेक्शन 4 कहता है टीपीओ कब तक अपना ऑर्डर पास करेगा, तो नियम क्या कहता है कि असेसमेंट के कंप्लीशन की टाइम लिमिट जितनी होती है, एओके असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट जितनी होती है उसके प्रायर 60 डेज से पहले पहले दे देगा। मतलब सर नहीं समझ आया, तो इस ग्राफ की तरफ आते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, यहाँ आईटीआर ड्यू डेट है, यहाँ आईटीआर फाइल कर दिया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर स्क्रूटनी का नोटिस भेज दिया गया और यहाँ पर असेसमेंट चालू हो गया। असेसमेंट करते करते एओ को खबर लगी कि नहीं भैया आर्म्स लेंथ निकालना पड़ेगा, और उसने ये टीपीओ को रेफर कर दिया, टीपीओ को रेफर कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, असेसमेंट की टाइम लिमिट जो होती है, जनरल टाइम लिमिट, असेसमेंट की जो जनरल टाइम लिमिट होती है, वो जनरल टाइम लिमिट में 1 साल इंक्रीज हो जाता है टीपीओ को रेफर करते ही। तो पहली बात मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट है असेसमेंट ईयर के अंत से 12 महीने, लेकिन जैसे ही आप स्क्रूटनी असेसमेंट करते समय टीपीओ को केस रेफर करोगे तो सेक्शन 153 में जो टाइम लिमिट मेंशन है वो 1 साल से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अब बन गया 31 मार्च 2022। अब इसके 60 दिन पहले के पहले पहले, यानी 60 दिन, इससे 60 दिन यहां देख लीजिए, 60 दिन कितना होगा, मार्च में कितना होता है 31, फरवरी में कितना होता है 28, तो 31 और 28 कितना हो गया 59, एक दिन ले लीजिए किसका, जनवरी का 31। अब 31 से पहले आइए 30 जनवरी, 30 जनवरी तक टीपीओ को अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे कि सर वो तो हम समझे, लेकिन ये सब लाइन क्या है, याद आएगा। कहोगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या आपने बना रखा है, अगर हम इसे इरेज कर दें तो अब सब ठीक है। सर ये तो आसान है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का ड्यू डेट, बोलो आईटीआर फाइल, नोटिस स्क्रूटनी का चालू, स्क्रूटनी कराते कराते टीपीओ को रेफर, अगर टीपीओ को रेफर नहीं होता तो असेसमेंट कंप्लीशन का ये टाइम लिमिट है, टीपीओ को रेफर करते ही टाइम लिमिट 1 साल बढ़ जाता है, यानी आखिरी जो टाइम लिमिट है उसका 60 दिन आ जाइए। 60 दिन से पहले पहले टीपीओ को अपना असेसमेंट, अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा, यानी 30 जनवरी तक टीपीओ अपना ऑर्डर पास कर देगा, ये नियम है। अब आगे उसमें ये लिखा था कि अगर किसी वजह से याद आया कुछ टीपीओ को अच्छा 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 देखना पड़ रहा है, अगर किसी वजह से टीपीओ, चलो पहले मटेरियल दिखाता हूँ, फिर देखते हैं तुम कितना बताओगे। टीपीओ के पास 60 दिन से कम का वक्त है, हाँ, लेकिन वो कौन सा वजह था, टाइम लिमिट फॉर पास द ऑर्डर ऑफ टीपीओ, टीपीओ में पास हिज ऑर्डर एट एनी टाइम बिफोर 60 डेज प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड टू एओ टू कंप्लीट द असेसमेंट, नॉर्मल प्लस 12. It must be noted that where any reference is made, the normal time limit shall be increased by 12 months. AY 19-20 normal time limit for scrutiny assessment is 12 months from the end of the relevant assessment year. If reference is made, then 12 months increased by another 12 months, 31 March 2022. Then time limit for TPO is 31 January 2022. जो अभी हमने compute किया था, नहीं इसमें है नहीं, अब चाहो तो तुम उसमें यहाँ देख सकते हो, यहाँ मिल जाएगा। ये है 92 CA। देखो ये यहां लिखा हुआ था, ये देखो ये लिखा हुआ। अगर 60 दिन से कम समय बचता है तो वो 60 दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैटर क्या था, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल से कहा था कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है ज़्यादा कि याद रखो। मैटर क्या था, याद आया आपको कुछ थोड़ा बहुत? जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने ये तय कर लिया 31 जनवरी तक टीपीओ को देना है, 31 जनवरी तक टीपीओ को देना है। मान लेते हैं किसी वजह से असेसमेंट को इंटरप्ट कर दिया गया, अब याद आ रहा हो शायद असेसमेंट प्रोसीजर में। तो इंटरप्शन जब खत्म होता है तब फ्रेश उसको टाइम अलॉट होता है। अब उस केस में अगर बिलो 60 डेज टीपीओ के पास समय बचा, अगर उस समय बिलो 60 डेज टीपीओ के पास समय बचा तो दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। अगर 40 दिन बचा तो उसे बढ़ाकर 60 कर देंगे। कुछ समझ आया आपको? जैसे टीपीओ को मान लीजिए 31, फिर दोबारा बता देता हूँ, 31 जनवरी 22 तक ऑर्डर देना था। अब आज की डेट कितनी है? आज है 20 जनवरी 22, ठीक है। तो यानी टीपीओ कहता है, सॉरी 31 नहीं था, 30 जनवरी था। अब टीपीओ कहता है कि आई हैव 10 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगा। अचानक असेसमेंट को स्टे लगा दिया कोर्ट ने और टीपीओ के एक्शन भी स्टे में चले गए। अब टीपीओ का काम ही बंद हो गया। 3 साल बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, टीपीओ तुम अपना काम कंटिन्यू करो, एओ तुम अपना काम कंटिन्यू करो। अब टीपीओ के पास फिर से जो मौका मिलेगा वो 10 दिन ही बचा रहेगा। मैंने कहा था जितना कटेगा उतना ही आगे जुड़ता है, मैंने उसको लाइन से ऐसे जोड़ के दिखाया था। अब 10 दिन ही बचा रहेगी। अब 3 साल पुरानी घटना 10 दिन में कैसे रिकॉल होगी? तो अब जो उसको समय कम मिला वो 60 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर है? आओ नेक्स्ट, सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि एओ असेसमेंट करेगा टीपीओ के ऑर्डर पर बेस्ड होकर। बताइए जल्दी से, रिवाइज करा रहा हूं, बताइए क्या टीपीओ जो आर्म्स लेंथ निकालेगा उस आर्म्स लेंथ को डिनाई करके एओ असेसमेंट कर सकता है? नहीं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। छठा, क्या टीपीओ अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। क्या टीपीओ अपने ऑर्डर को रिवाइज कर रेक्टिफाई कर सकता है? देखिए आप जब ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ रहे थे तो असेसमेंट प्रोसीजर वाला मॉड्यूल नहीं पढ़ा था। आज आप वो पढ़ चुके हो, आपको मालूम है कि रेक्टिफिकेशंस का प्रोसेस क्या होता है। सेक्शन 154 में इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन रेक्टिफाई हिज ऑर्डर एंड सेक्शन 254 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई इट्स ऑर्डर। तो क्या यहां टीपीओ का ऑर्डर रेक्टिफाइड हो सकता है? लिखा हुआ है 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ पासिंग ऑर्डर। लेकिन ये रेक्टिफाई तब होगा जब मिस्टेक कैसा होना चाहिए, एपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो आज तो आपने वो पढ़ा है तो उसके साथ कनेक्ट कीजिएगा तो आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट, अमेंडेड ऑर्डर जब टीपीओ करेगा तो अपने अमेंडेड ऑर्डर को एओ को भी दे देगा और एसएससी को भी दे देगा। लेकिन ये अमेंडमेंट तभी पॉसिबल है जब टीपीओ के ऑर्डर में मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो। सबसेक्शन 9 और 10, सबसेक्शन तो इसमें नहीं था, मैंने पॉइंट बताया था। पॉइंट नंबर 9 और 10 बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये वही था कि टीपीओ अपनी मर्जी से कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उठाकर अपनी मर्जी से आर्म्स लेंथ निकाल सकता है। मैटर क्या था कि एओ ने जो रेफर किया है टीपीओ को, क्या टीपीओ की शक्ति उसी रेफरेंस तक सीमित है या टीपीओ अपने मन से भी 2-4 और ट्रांजैक्शन का एएलपी निकाल सकता है? एग्जांपल, 5 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ, एओ कहता है मुझे सिर्फ 2 के बारे में बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। टीपीओ कहता है कि बाकी भी मैं करना चाहता हूं, तो कर सकता है कि नहीं? ये सबसेक्शन पॉइंट नंबर 8 और 9 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? देखिएगा, एसएससी रिटर्न फाइल कर रहा है और सीए का रिपोर्ट लगा रहा है, टीपी रिपोर्ट, लोकल फाइल बोलते हैं इसको, लोकल फाइल बताया था आपको। एओ रिटर्न फाइल कर रहा है, टीपी रिपोर्ट लगा रहा है। एओ असेसमेंट करते समय ये पाता है कि कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस रेफर करना चाहिए और वो रेफर कर देता है टीपीओ को। टीपीओ को क्या रेफर करता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ABC और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन PQ। जबकि एक्चुअल में AO ने SSC ने जो रिपोर्ट किया था उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कितना था? A B C D 5 थे और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कितना था? 3, जिसमें से 4 रेफर किया टीपीओ को और 2 रेफर किया है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन टीपीओ को। अब टीपीओ जब प्रोसीडिंग कर रहा है तो टीपीओ इसका तो करेगा ही करेगा एएलपी, या इसको मना कर देगा? इसको तो करना पड़ेगा उसको। अच्छा, अब टीपीओ ये पाता है कि एक H नाम का ट्रांजैक्शन है। भाई ये H तो कहीं था ही नहीं, और एक G नाम का ट्रांजैक्शन है। भाई G तो कहीं था ही नहीं, लेकिन है, जो टीपी रिपोर्ट में भी नहीं रिपोर्टेड है। मतलब H और G एसएससी ने ही गोल कर दिया है। एसएससी ने 5 इंटरनेशनल और 3 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बताए हैं, जबकि टीपीओ कहता है एक और इंटरनेशनल है जो एओ को पता ही नहीं, एसएससी ने बताया ही नहीं, और एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक भी है वो भी नहीं बताया। अब टीपीओ के पास पावर क्या क्या है वो देखिए। टीपीओ ये चाहता है कि मैं DRHG इन सब का कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। D ऐसा है जो रिपोर्टेड था बट रेफर नहीं किया, R ऐसा था जो रिपोर्टेड था बट रेफर नहीं किया, H और G रिपोर्टेड ही नहीं है तो रेफर क्या खाक होगा। तो क्या टीपीओ इन सब का भी ALP निकाल सकता है? उत्तर बिना देखे याद है तो बताइए। सब में यस था या किसी में नो भी था? किस में नो था? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, उसमें नो था। तो देखिएगा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है चाहे वो D हो चाहे वो H हो, उन सब में यस था, लेकिन जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसमें नो है। उसमें रेफर जो किया जाए सिर्फ वही देखेगा टीपीओ, दूसरा नहीं देखेगा। क्लियर है बेटा? ओके, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा रूल पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ALP को कैलकुलेट करने के रूल। रूल नंबर 1, पहला नंबर मेथड क्या था? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस। बताओ तो कैसे करते थे? ये थोड़ा सा मुश्किल था तुम्हारे लिए, बताओ तो कैसे करते थे? सारे मेथड रिवाइज करेंगे जैसे तुम बताना। ABC XYZ एसोसिएटेड है। अच्छा, ABC इंडिया में, XYZ यूके में है। ABC ने 2 लाख यूनिट का माल बेचा है 2000 के रेट से। अब बताओ गवर्नमेंट को क्या शक है कि ये 2000 का जो प्राइस है ये ज़्यादा है या कम है? क्या कम है कि ज़्यादा है? कम है, और होना चाहिए। अब ALP निकालना हम चाह रहे हैं, तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि ABC ने सेम टाइप के सिमिलर ट्रांजैक्शन किसी और के साथ किए। मिल गया हमें PQR अनरिलेटेड, और उसको ये 2 लाख यूनिट, 20,000 यूनिट, इवन 2 लाख नहीं 20,000 यूनिट 4600 में बेचा है। तो बताइए हमारे लिए बेस क्या बनेगा? ALP। अगर क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाए तो ALP क्या बनेगा? 4600। हमारा शक सही निकला, 4600 होना चाहिए। तुमने सस्ते में बेचा है अपने आदमी को, बट वो आदमी कहता है ये क्या बना? अनकंट्रोल प्राइस। अभी कंपेरेबल नहीं, ये बना अनकंट्रोल प्राइस। लेकिन ये कहता है, ABC कहता है कि भैया जरा और भी चीज़ें तो देखो, हम अपने भाई को सस्ते में क्यों ना बेचें? वहाँ मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं है, वहाँ पैसे डूबने के खतरे नहीं है, वहाँ देख रहे हो 2 लाख यूनिट लिया बल्क में, यहाँ तो 20,000 लिया है, बड़े सारे फैक्टर हैं, इसलिए हम सस्ते में दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है तू जीता, तेरे बड़े सारे फैक्टर को भी मैं एडजस्ट करूंगा 4600 में, और तब देखता हूं कितना निकल के आता है। इसी को कहते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस। तो जैसे एग्जाम्पल, इसमें देखिए फैक्टर क्या क्या है। एसोसिएट का जो 2000 रुपया है वो FOB है, फ्री ऑन बोट है। मतलब एसोसिएट इंडिया के पोर्ट के बाद के सारे खर्चे खुद बियर करेगा, यही मतलब हुआ ना बेटा। वारंटी नहीं है तो सस्ते में दे रहे हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट है तो सस्ते में दे रहे हैं। बोलिए, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये पता लगाएंगे कि नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज, और नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज कितने में ले रहा है, CIF में, यानी कि ये जहाँ भी है, चाहे वो अमेरिका में हो या कहीं भी हो, उनके घर तक पहुँचाने के ये प्राइस है। ठीक, दूसरा 2 साल की गारंटी लिया है उसने, तीसरा डिस्काउंट वगैरह भी इसको हमने नहीं दिया। तो बताइए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस। हम क्या करते हैं, नॉन एसोसिएटेड के प्राइस को पकड़ते हैं और एसोसिएटेड के सारे टर्म्स पेस्ट कर देते हैं। मानो कि हम PQR को भी FOB देते, ऐसा नहीं सोचते हम कि मानो XYZ को भी हम CIF देते, ऐसा नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार के सारे टर्म्स अजनबी पर थोप देते हैं और तब सोचते हैं। तो हम सोचेंगे मानो कि PQR को भी हम FOB पर देते, मानो PQR को भी हम नो वारंटी देते, मानो PQR को भी क्वांटिटी डिस्काउंट देते, तो क्या होता। ऐसा सोचकर इस 4600 को एडजस्ट करते हैं। तो भैया अगर FOB पे देते तो पैसा कम लेते, अगर वारंटी नहीं देते तो पैसा कम लेते, अगर डिस्काउंट दे देते तो पैसा कम लेते। तो तीनों केस में ये माइनस हो रहा है, माइनस होके आया 3240। तो हम क्या कहेंगे कि तू झूठा है, तू झूठा है, 3240 होना चाहिए प्राइस। तो अभी भी तो प्राइस बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में से उठाया है, यहाँ क्वेश्चन सामने नहीं है, मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको बता सकूँ रिविजन में। ठीक है बेटा, याद रखना एक बात, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेटा उसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको ALP निकाल के दो, या वो ये कह रहा है कि हमको टोटल इनकम निकाल के दो ABC का, या वो ये कह रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम, बाय व्हाट अमाउंट इनकम शैल बी इंक्रीज्ड बाय AO, या इनकम शैल बी इंक्रीज टू ABC लिमिटेड। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। अगर क्वेश्चन सिर्फ आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए है तो वो रहा 3240। लेकिन अगर वो कह रहा है इनकम कितने से बढ़ेगा तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, ये भी हमने किया था बेटा, एक जिला UKX ऐसा किया था ना हमने। क्या चीज़ है देखना जरा इसमें, ये क्वेश्चन यहीं पे पेस्ट कर दिया है। ये कंपनी तुमको दिख रहा है कहाँ है, इंडिया में। ये कंपनी कहाँ दिख रहा है, US में। ये लोग एसोसिएट हैं, ये लोग एसोसिएट हैं। ठीक है, ये 3 अलग अलग पॉइंट्स था ना इसमें। ये आसान क्वेश्चन था कि इसने बेचा है इसको सामान और नॉर्मली कितने में बिकता, इस तरह का क्वेश्चन था। आज जाके तुम इसे रिवाइज करना, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सारे कर लेना, 34 नंबर क्वेश्चन। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है बताओ बेटा, रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है। करेक्ट, रीसेल प्राइस मेथड हम वहां लगाते हैं जहां मैं एसोसिएट से परचेज करके नॉन एसोसिएट को बेचता हूं। अगर मैंने नॉन एसोसिएट से परचेज करके एसोसिएट को बेचा तो रीसेल नहीं लगेगा। रीसेल वहां लगेगा जब मैं एसोसिएट से परचेज करूंगा और नॉन एसोसिएट को बेचूंगा। और रीसेल कैसे लगाते हैं बेटा, पहले हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो नॉन एसोसिएट, जल्दी बोलो नॉन एसोसिएट को जितने पर बेचते हैं वो प्राइस लेते हैं बेस। जैसे मैंने, आप मेरे एसोसिएट थे, आपसे मैंने खरीदा एक सामान और वो सामान मैंने बेचा है नॉन एसोसिएट को 90,000 में। आपसे कितने में खरीदा है मैंने, 40,000 में। सरकार को डाउट है कि मैंने जो आपसे खरीदा है 40,000 में वो मैंने झूठ बताया है, मैंने ज्यादा प्राइस बताया 40,000, उसका फेयर प्राइस कम होगा। रीसेल प्राइस मेथड दोबारा सुनो, आप मेरे जान पहचान वाले हो, मैं इंडिया में हूं, आप बाहर में हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे माल खरीद के इंडिया में बेच रहा हूं नॉन एसोसिएट को, अनरिलेटेड पार्टी को। मैं 90,000 में बेच रहा हूं और 40,000 में आपसे मैंने परचेज किया। सरकार कह रही है तू झूठ बोल रहा है, तूने 40,000 में परचेज किया, यह गलत है, तूने कम में परचेज किया है, मुझे 40,000 डाउटफुल लगता है। तो रीसेल प्राइस मेथड कैसे लगेगा, जितने में मैंने बेचा रीसेल वो बेस लीजिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो लीजिए 90,000 में परचेज तक के सारे खर्चे और मेरा लाभ माइनस कर दीजिए। मेरा लाभ कौन सा माइनस कीजिएगा, एक्चुअल कितना मैंने अर्न किया नहीं, जो मेरा मार्जिन है, जो मार्जिन है मेरा या इंडस्ट्री का नॉर्मल इस तरह के एसेट सामान को बेचने में, उस मार्जिन को माइनस कीजिएगा, फिर सारे खर्चे माइनस कीजिएगा मेरे परचेज तक के, और फिर जो प्राइस आता है वो कितना आता है, मान लीजिए वो 32,000 आया, तो सरकार कहती है 40,000 तूने गलत बताया था, 32,000 इज आर्म्स लेंथ प्राइस। इसके भी 3-4 क्वेश्चन हैंड टू हैंड कर लिए थे। सबसे पहले बताइए क्या उठाते हैं, रीसेल प्राइस, उसमें माइनस क्या करते हैं, नॉर्मल जीपी मार्जिन, तब क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद सारा खर्चा माइनस कर देते हैं परचेज तक के, और जो फंक्शनल डिफरेंसेस हैं वो भी माइनस करते हैं, जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, अगर मैं किसी और से भी माल खरीद कर बेचता, जैसे मैं ये क्या उठाता हूँ, ये क्या उठाता हूँ, सेम एसेट सेम सामान किसी अनरिलेटेड से खरीद कर मैंने अगर बेचा है तो उसमें कितना कमाया है वो माइनस करता हूं। रीसेल प्राइस मेथड कैसे लगाते हैं, मैंने आपसे खरीदा और राम को बेचा, सरकार को डाउट है कि मैंने आपसे जो खरीदा वो महंगा दिखा रहा हूं, तो सरकार कहती है ये सेम सामान क्या तू दूसरे से भी खरीद के बेचता है, तू ये सेम सामान जो रिलेटेड से खरीद के बेच रहा है क्या ये सेम सामान दूसरे से भी खरीद के बेचता है? मैंने कहा ना जी मैं तो नहीं बेचता दूसरे से खरीद के। अच्छा तो तेरे इंडस्ट्री में कोई दूसरे से खरीद के सेम सामान बेचता है? हाँ तो वो उठा लेंगे जीपी मार्जिन। और अगर तू ही बेचता है सेम सामान किसी और से खरीद कर तो उस ट्रांजैक्शन में तू कितना कमाता है वो जीपी मार्जिन है। अब वो जो जीपी मार्जिन मैंने उठाया है वो गड़बड़ है, क्योंकि भाई साहब तुम बैठे अमेरिका में, वो बैठा जापान में। अरे माना कि ये सेम सामान मैंने तुमसे खरीद के इंडिया में बेचा और सेम सामान मैंने जापान में अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के भी इंडिया में बेचा, तो क्या करना है जी, आपसे जो मैंने खरीद कर बेचा वो रीसेल प्राइस उठाइए, माइनस कीजिए जीपी मार्जिन जो मैंने जापान से खरीद कर बेचा उसमें जो कमाया। अच्छा जी उस वाला क्यों माइनस कर रहे हो, उसके साथ तो अलग डील है, उसमें तो मुझे इतना डिस्काउंट मिला था, उसमें तो मुझे CIF पे मिला था, FOB पे नहीं मिला था, उसके तो कस्टम ड्यूटी अलग है, यहाँ के कस्टम ड्यूटी अलग है, तो ये जो फंक्शनल डिफरेंसेस हैं वो माइनस या प्लस नीचे किए जाते हैं, तब जाकर आता है आर्म्स लेंथ प्राइस। ये था हमारा 2 मेथड। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था, आपको याद हो। यहाँ पर एसोसिएट कौन है, ये देखिए मैंने इनसे खरीद के बेचा है, मैं दिख रहा है आपको, मैं इनसे खरीद के बेच रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लीजिएगा 12,000 रुपया। अच्छा यही सामान इनसे खरीद के बेच रहा हूँ तो ये कुछ मत लीजिए, इसमें कितना लाभ कमाया वो ले लीजिए 30%, तो जो लाभ कमाया वो इसमें से माइनस कीजिए। मैंने कहा अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो, इसमें से ये वाला लाभ क्यों माइनस कर रहे हो, इनका हिसाब अलग इनका हिसाब अलग, तो ये जो अलग अलग हिसाब हैं उनके फंक्शनल डिफरेंसेस भी एडजस्ट होंगे और तब आएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। कराए थे क्वेश्चन मैंने सारे एक एक करके, ये भी क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉस्ट प्लस मेथड सबसे आसान था। करना क्या होता है, कॉस्ट पकड़िए, कॉस्ट प्लस मेथड कहाँ लगाना है, ऐसे जगह कॉस्ट प्लस मेथड लगाया जाता है दोस्त, ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पर, सुन लो पहले, कॉस्ट प्लस मेथड ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पर मुझे आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स या सर्विस नहीं मिलता देखने को। ये जनरली सॉफ्टवेयर कंपनियों में पकड़ में आता है जहाँ वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैं एग्जांपल लूँगा, आप अमेरिका में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी। आप अमेरिका में हो, हम लोग एसोसिएटेड हैं, आपने मुझसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया, तो मैंने आपसे पैसे चार्ज किए, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट को यही डाउट है कि मैंने जो 10 करोड़ चार्ज किए हैं, चूँकि ये चार्ज मेरी इनकम बनेगी, चूँकि ये 10 करोड़ चार्ज मेरी इनकम बनेगी, तो मैंने जानबूझकर कम चार्ज किए होंगे। अब यहाँ पर CUP मेथड क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि CUP में हमें कंपेरेबल अनकंट्रोल ढूंढना पड़ेगा। मैंने इस तरह के कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, सिमिलर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर किसी और का बनाया नहीं, मैंने तो छोड़िए पूरे इंडस्ट्री ने इस टाइप का सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाया। तो यहाँ पर ढूंढना मुश्किल होगा सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स और सर्विस। इसीलिए सरकार कहती है छोड़ो झंझट को, पता लगाओ रंजीत कुंवर का इस सर्विस को देने में कॉस्ट कितना आया। सर कॉस्ट कैसे पता लगाते होंगे? कितने आदमी मैंने इस सॉफ्टवेयर के पीछे लगाए थे, उस आदमी ने कितने आर काम किए, उस आदमी की कॉस्ट हमको क्या पड़ती है पर आर। मान लीजिए एक आपके सॉफ्टवेयर के लिए मैंने 10 आदमी की टीम बनाई थी। 10 आदमी की टीम ने टोटल मान लेते हैं 100 घंटे काम किए और 1 घंटे की इतनी कीमत होती है उसकी, तो मल्टीप्लाई करके मुझे कॉस्ट का पता चल जाएगा। कॉस्ट जब मुझे पता चल जाए आपको जो मैंने सर्विस दी है उसकी, तब मुझे लेना है मार्जिन प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये कॉस्ट पर हमें जोड़ना है। तो अगर मुझे सेल पर मिल रहा होगा तो रिवर्स करके उसे कॉस्ट पर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट में जोड़ना है मार्जिन। कॉस्ट प्लस मेथड मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़िए। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से लोगे सर? मान लीजिए मैं माना कि सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस नहीं देता बट दूसरी सर्विस तो देता हूँ, और भी सॉफ्टवेयर बनाए दूसरे लोगों के लिए, उनको मैंने कितने में बेचकर कितना लाभ कमाया, मुझे प्रतिशत चाहिए। मैंने 20% कमाया। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो फिर इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कितना कमा रही है? अगर वो 20% कमा रही है तो ये 20% मेरा जुड़ जाएगा कॉस्ट में, और फिर पता लगाया जाएगा कि मुझे कितना पैसा आपसे चार्ज करना चाहिए। याद रखिएगा एग्ज़ाम में धोखा भी होता है। अगर आपकी कॉस्ट आई है 50 करोड़ और 20% प्रॉफिट मार्जिन आया है तो 50 प्लस 20% 60 करोड़, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है 75 करोड़ में, तो आप कहीं आर्म्स लेंथ प्राइस 60 करोड़ लेकर मत आ जाइएगा। आप कहिएगा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर शैल नॉट अप्लाई बिकॉज ये इससे तो इनकम घट रही है व्यक्ति की। अच्छा, जो जीपी मार्जिन यहाँ हम लेते हैं वो जीपी मार्जिन इफेक्टेड होता है, उसे फंक्शनल डिफरेंसेस से एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे के साथ देखे ना, अब ये मेरा अपना आदमी है, यहाँ पैसे डूबने के चांस नहीं है, यहाँ पर प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, यहाँ अक्सर हमारे पास सामान बनवाने आते हैं, तो इन चीज़ों के डिफरेंसेस को हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम इनसे कम कमा रहे हैं। सरकार कहती है तुम जीते। ध्यान से समझिए, मैंने आपसे मान लेते हैं 65 करोड़ रुपए चार्ज किए, 65 करोड़ चार्ज किया सॉफ्टवेयर का डेवलप करने का मान लीजिए, और मेरी कॉस्ट 50 करोड़ आती है। आप देखते हो इंडस्ट्री का जो जीपी मार्जिन है 10-20% है, मान लो 30% देखते हो, 40% देखते हो, चलो 40% लेते हैं, 40% देखते हो, तो आप क्या कहते हो कि 50 करोड़ आपकी कॉस्ट आई, 40% होता है 20, तो 50 और 20 70 करोड़ आपको चार्ज करने चाहिए। आपने 65 चार्ज किया है, गलत किया है। अब मेरी दलील ये है कि भाई इनसे कम चार्ज करना बनता है। ये हमेशा मेरे अपने होने के वजह से हम ही से माल खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, ये बल्क में हमको सर्विस देते हैं। इनको पकड़ने के लिए क्लाइंट नहीं समझता हूँ मैं, इनको भाई समझता हूँ। तो इनको कोई पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, कोई एडवर्टाइजमेंट के खर्चे नहीं करते, तो जब मेरा खर्चा इनको पकड़ने में कम है या नहीं है तो फिर इनसे हम ज़्यादा ही क्यों कमाएं? तो कम कमा रहा हूँ लॉजिक से, तो गवर्नमेंट इस लॉजिक को एक्सेप्ट करती है। बताइए फंक्शनल डिफरेंसेस यहाँ कहाँ एडजस्ट करना है? प्रॉफिट मार्जिन में। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है? फंक्शनल डिफरेंसेस प्रॉफिट मार्जिन में एडजस्ट होता है, और एडजस्टेड प्रॉफिट मार्जिन को हम कॉस्ट के ऊपर चढ़ाकर एएलपी निकालते हैं। फर्क समझिए सभी मेथड में। कॉस्ट प्लस मेथड पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहला मेथड कप था। कप मेथड में क्या है कि हम प्राइस ही उठा लेते हैं कंपेरेबल, और फंक्शनल एडजस्टमेंट करके आंसर रीसेल प्राइस में। दूसरे से खरीद कर दूसरे को बेचने वाला रीसेल प्राइस नहीं उठाते, अपने से खरीद कर जो मैंने दूसरे को बेचा वो रीसेल प्राइस उठाते हैं, और दूसरे के ऊपर जो मैंने लाभ कमाया वो घटा देते हैं। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंसेस होता है, यानी जीपी मार्जिन घटाने के बाद फंक्शनल डिफरेंसेस लेते हैं। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करते हैं, जो जीपी मार्जिन हमको लेना है वही एडजस्ट करते हैं पहले, और एडजस्टेड जीपी मार्जिन को पकड़ते हैं और अपनी कॉस्ट जो मेरी लगी उसमें जोड़ देते हैं और एएलपी आ जाता है। आज में आप सब कुछ रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, घर पे घर की बात कर रहा हूं, तो क्या करोगे, आज में सिर्फ मेथड रिवाइज करना घर जाके, और क्वेश्चन अगर 8-10 मैंने क्लास में बनवाए थे तो जरूर बनाना, तभी जाकर इस पर कमांड आएगा, है ना। अच्छा बताओ, इसके बाद एक और था प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये और भी आसान है। सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो है रीसेल प्राइस मेथड, उससे कठिन अगर कुछ है तो वो है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, उससे आसान कुछ है, मतलब सबसे टॉप जो मुश्किल है वो है रीसेल प्राइस, उससे आसान है कॉस्ट कंपेरेबल अनकंट्रोल, उससे आसान है कॉस्ट प्लस मेथड, उससे आसान है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। बताओ तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड क्या करते हैं, मैं, आप और 2-3 और हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज, ये सब इकट्ठे होकर एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, और जानबूझकर आप इंडिया वाले हो, मैं अमेरिका वाला हूँ, ऐसे 3-4 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं कॉमन, और मैं जानबूझकर उस प्रोजेक्ट में हिस्सा इंडिया वाले एसोसिएट एंटरप्राइज को कम दे रहा हूँ ताकि इंडिया में टैक्स बच जाए। तो गवर्नमेंट इसको प्रॉफिट स्प्लिट पे लेके आती है, कहती है कि ये अमेरिका का आदमी जो मेन आदमी है, तुम्हारा लीडर है, जिसने प्रोजेक्ट हैंडल किया है और तुम लोगों ने प्रोजेक्ट में सहयोग दिया है, पहले पता लगाएंगे कि प्रोजेक्ट में टोटल लाभ कितना कमाया इस आदमी ने। टोटल लाभ कमाया जी 100 रुपये, फिर पता लगाएंगे कि हमारा इंडिया का आदमी कितना प्रतिशत प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन करता है, लेबर, मटीरियल, पैसा कितना लगाता है, जी 20% उनका पार्टिसिपेशन है, तो 100 में 20% यानी इसका लाभ 20 होना चाहिए। फिर पता लगाएगी सरकार कि हमारा इंडिया वाला आदमी जो इस प्रोजेक्ट में हैंडल कर रहा है उसमें कॉस्ट उसकी कितनी आई, और उस कॉस्ट में ये 20 रुपया जोड़ देंगे, आ जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। बताओ प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जो मिलकर हैंडल किया गया उसके लाभ को निकालते हैं, कॉस्ट को नहीं, लाभ प्रॉफिट रुपया में निकालते हैं या प्रतिशत में, रुपया में, मतलब प्रॉफिट को अमाउंट में निकालते हैं, परसेंटेज में नहीं। प्रॉफिट में इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज का हिस्सा निकालते हैं, हिस्सा निकाल के रख लेते हैं, फिर इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में कितनी आई, उसमें वो प्रॉफिट हिस्सा वाला जोड़ देते हैं, आंसर आ गया। तो आसान था प्रॉफिट स्प्लिट। और TNMM तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था। TNMM मतलब जो इंडस्ट्री में रेट चल रहा होता है, जो नेट प्रॉफिट चल रहा होता है रेट, वही TNMM होता है। ठीक, अब बताइए सेक्शन 92 MAM दोबारा आता है, 92 का MAM दोबारा आता है। बताइए सेक्शन 92 में ये मेथड्स बताए गए थे, 92C में, 92C में ये मेथड्स बताए गए थे, इसमें से कौन सा उठाना है जल्दी बताइए, मोस्ट एप्रोप्रिएट। मान लीजिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड को उठाने पर आपका ALP एक ही आया तो वही आंसर है। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट उठाने पर आपका ALP 1 से ज़्यादा आता है तो रूल 10CA में चले जाइए। अगर टोटल प्राइसेस यानी टोटल ALP 6 से कम है तो सिंपली आप सबको जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये अर्थमेटिकल मीन कहलाता है, आ गया आपका ALP। यहाँ भी ALP में आपको टॉलरेंस रेंज देते हैं 1% और 3%, होलसेलर के लिए 1, अदर के लिए 3। अगर 6 प्राइस या उससे ज़्यादा आता है तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट निकालने के बाद आपके हाथ में 6 से ज़्यादा या 6 प्राइस आ गया, 6 ALP आ गया या 6 से ज़्यादा ALP आ गया, तो आप देखिए कि क्या आप प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे घूम रहे हो या आप 1, 2, 3, 4, 5 एक छठा मेथड भी है जिसको हम रूल नंबर 10 AB मेथड कहते हैं। क्या आप उस मेथड पर हो? अगर इन दो मेथड पर हो तो फिर से अर्थमेटिकल मीन निकालो और परे हो जाओ। लेकिन अगर आपका वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो इनमें से एक है, वो इनमें से एक है, तब आपको रेंज कंसेप्ट में जाना पड़ेगा और परसेंटाइल का गेम खेलना पड़ेगा। क्या कहता है परसेंटाइल का गेम? यहाँ देखिए, मान लीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कप मेथड है और ALP आ रहा है 100। बिना देखे हुए, पेज नहीं पलटिए, इधर देखिए, बिना देखे हुए बताइए। आप खुद पार्टिसिपेट कीजिएगा तो होश में रहिएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड CUP बना और उससे हमने आर्म्स लेंथ निकाला तो 1 2 3 4 5 आए। बताइए जब 5 आए और एक्चुअल ट्रांजैक्शन हमने कितने किया? बताइए कितने का एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किया है? एक्चुअल जो मैंने एसोसिएट के साथ डील किया है वो 150 में डील किया है, समझ रहे हो? और ALP जो मैंने निकाला वो 112 है, 110 है, 190 है, 200 है, 160 है। तो भाई साहब अलग अलग रेंज है। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा ये ले ले, 200 ले ले, मैं कहूँगा अच्छा मैं तो 110 ले लूँगा, तुमको क्या, और ये तो बेस्ट है। फिर इसलिए सरकार कहती है झगड़ा आपस में ना करो, एक से ज़्यादा है तो एवरेज ले लो। एवरेज यहाँ क्यों लिया जा रहा है बेटा? क्योंकि 6 से कम है। सिंपल एवरेज सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो मान लीजिए आपका आ गया अर्थमेटिकल मीन आ गया 154.40। अब आपको 1 से 3% का रेंज मिलेगा, इसे कहते हैं टॉलरेंस रेंज। 1 से 3% का रेंज मिलेगा। 1% होलसेलर के लिए, 3% अदर के लिए। मान लीजिए ये अदर का केस है तो 3% एक्चुअल प्राइस कितना था? 150। 150 का 3% कितना होता है? ₹4.50। तो ₹4.50 अप एंड डाउन आपको मिलता है। तो क्या यहाँ ₹4.50 के अंदर है ये? यस। इसलिए हमें अब यही मिलेगा आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी सरकार अब परेशान नहीं करेगी। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस फाइनली आ गया। अगर मान लीजिए कि एक्चुअल हमने किया होता ज़्यादा, मतलब एक्चुअल 150 है और ये आया होता 165, 160, तो फिर यही लेना पड़ता आर्म्स लेंथ प्राइस। अब डेटा सेट की बात करते हैं। मान लीजिए कि आर्म्स लेंथ प्राइस, एग्जाम्पल 4 आ गया और एग्जाम्पल ये कौन सा है? तो भाई साहब 4 कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये टॉलरेंस रेंज के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मान ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा, ऐसे समझिए। अर्थमेटिकल मीन, अब बताइए, जल्दी बताइए, अगर आर्म्स लेंथ प्राइस अर्थमेटिकल मीन में 220 आ रहा है, 200 की जगह पे, अब 200 कहाँ था? हैं, चलिए छोड़िए, कुछ उसमें मिस्टेक हुआ है, यहाँ कॉपी करने में मिस्टेक हुआ है। बताइए अर्थमेटिकल मीन ये आ रहा है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन 150 है, तो पहले आप इसका कैसे टॉलरेंस रेंज निकालते हैं? 1%, 3%, 3 ले लीजिए। 3 कितना आएगा? ₹154.50। उससे ज़्यादा है, ये वेरिएंस उससे ज़्यादा है, तो आपका ये एक्चुअल प्राइस एक्सेप्ट नहीं होगा, आर्म्स लेंथ ये तय होगा। मान लीजिए एक्चुअल 150 और मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से आपने निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। 9 बताओ ज़्यादा हो गए? इधर देख के बताओ, चलो ज़्यादा हो गए? कैसे ज़्यादा हो गए? डेटा सेट में जाएंगे, डेटा सेट का पहला नियम याद करो। तो मैं पहले हम छोटे से बड़े के रूप में जाएंगे, सबसे छोटा पहले पकड़ेंगे, उससे ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना? छोटे से बड़े। बताइए देखो से बड़े, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 110, उसके बाद 135, उसके बाद 140, उसके बाद 156, उसके बाद 165, उसके बाद 190, उसके बाद 220 और उसका 230 और 300। ये हमने ले लिया। नेक्स्ट बताइए आपको क्या याद आता है, ये ऐसे। अब बताइए क्या याद आता है। पहले आपने उसे ऑर्डर में प्लेस कर दिया कम से ज़्यादा, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा है, नंबर ऑफ डेटा 9 का 65 और 35 निकालोगे। पहले निकालो 9 का 35 कितना आएगा बोलो, 3.15। अगर ये होल नंबर है, अगर ये होल नंबर आया तो वो और उसके आगे का एवरेज, और अगर ये होल नहीं आया फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो बताओ कितना है, 9 का 35%, 3.15। तो आगे बढ़ो, आगे क्या बनता है, 3 के बाद 4। तो 4 में जो रेंज है वो रेंज शुरू हो गया, ये लोअर रेंज है। इसके बाद 9 का 65 निकालो, कितना आता है, 5.8। यानी हमें 6 पे जाना पड़ेगा, तो 6 पे चले गए तो ये कितना है, 190। इसे क्या बोलते हो तुम, इसे बोलते हो रेंज। यही है रेंज कंसेप्ट। अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन 156 से 190 के बीच में हुआ है, अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन 156 से 190 के बीच में हुआ है, तो गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल ट्रांजैक्शन इज एक्सेप्टेड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पहले लोअर से हायर पे सजा देंगे। नंबर ऑफ डेटा 9 × 35 × 65, 35 परसेंटाइल। अगर होल नंबर नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे, 65 परसेंटाइल। अगर होल नंबर नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे, होल आता है तो क्या करेंगे वो अलग अभी देखते हैं। अच्छा, ऐसे में आपने क्या तय किया, लोअर से हायर रेंज तय कर लिया। अब बताइए आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर 156 से 190 होता, अगर 156 से 190 होता तो क्या बनता, फिर वही एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म्स लेंथ प्राइस बनता। अब यहाँ पर चेक करके बताइए तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने पे किया है, 150। ये रेंज के बाहर चला गया, 150 रेंज के बाहर चला गया। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 50 परसेंटाइल, 35, 65, और अब रेंज के बाहर गया तो 50। 50 परसेंटाइल कितना होता है, 4.5। कहाँ जाना है, आगे 5 पे कौन है, 165। आ गया आपका फाइनल आंसर, 165 इज आर्म्स लेंथ प्राइस, 165 इज आर्म्स लेंथ प्राइस। यही तो है, ये तो रेंज बता रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस आगे होगा ना। 165 इज आर्म्स लेंथ प्राइस। नेक्स्ट बताइए, इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, असेंडिंग कर लेंगे। उसके बाद बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 हैं डेटा। 20 का पहले 35% लेंगे, 35% कितना आएगा, 7। अब अगर होल नंबर आएगा तो क्या करेंगे, 7वें पादान पर जो 7वें प्लेस पर जो डेटा है और 8वें प्लेस के डेटा को जोड़कर एवरेज लेंगे। याद है कि नहीं। उसी तरह 65 में करेंगे, लोअर हायर रेंज आ जाएगा। अगर रेंज के अंदर है तो एक्चुअल, नहीं है रेंज के अंदर तो 50% कैलकुलेट करेंगे। 50% भी इसमें आएगा, 20 का 50%, 10। तो 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर जो डेटा है उन दोनों का एवरेज लेंगे। क्लियर है ये, ओके। सेफ हार्बर रूल, सेफ हार्बर रूल हमने नहीं पढ़ा, सीधा हम आगे बढ़ गए थे किसमें, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में चले गए थे। सेफ हार्बर रूल इसके बाद हम पढ़ेंगे, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। सेफ हार्बर रूल मैंने लिखवाया भी था आपको, याद है कि नहीं, लिखवाया था। बताओ तो, चलो छोड़ो, अब सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ये याद रखो कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्यों, क्या होता है। भूल जाओ बेटा, अनीश भूल जाओ, क्या करेंगे क्लास के बाद फिर से तुमसे वो पन्ना मोड़ कर रख लो और पूछना मुझसे। बताओ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है। बार बार आप एक ही ट्रांजैक्शन इंडिया के एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ करते हो, तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपको बार बार इनकम टैक्स ऑफिसर हैरास करता होगा, परेशान करता होगा, बार बार असेसमेंट आपका करके ALP निकालने की कोशिश करता होगा। आप ऐसा करो, एक बार ही CBDT के साथ बैठ जाओ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ अग्रीमेंट करो। अग्रीमेंट में हम जो तय कर देंगे वो आप आने वाले मैक्सिमम फिलिंग द ब्लैंक 5 वर्षों तक लागू कर सकोगे। अगर आप चाहते हो कि रोल बैक प्रोविजन भी इसमें लग जाए तो मैक्सिमम बैक आप कितना लगा सकते हो, 4 साल। रोल बैक प्रोविजन ध्यान होगा थोड़ा बहुत, अभी और कराता हूं मैं। पढ़ रहे हैं बेटा? पहला, स्लो चलेंगे, समय हमारे पास बहुत है। 92CC एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बताता है और 92CD इसका इफेक्ट बताता है। इफेक्ट बहुत ही आसान है, इफेक्ट बहुत ही आसान है। 3 हिस्सों में बांटकर इफेक्ट को हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को समझते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन SSE एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी दैट इज CBDT ऑन एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मैथडोलॉजी फॉर अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर के लिए इसीलिए एडवांस प्राइसिंग बोलते हैं। तो जो फ्यूचर के लिए उसे आप पास्ट में कैसे लगा सकते हो, लगा सकते हो लिमिटेड चीज़ों के लिए। CBDT जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ एंटर करेगी APA में किसी भी व्यक्ति के साथ। APA शैल इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी भैया आप प्राइस ही निकाल के दे दो, बता दो कि रॉयल्टी मैं पे करता हूँ हर साल अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, कितने रुपए होंगे आर्म्स लेंथ प्राइस, 90 करोड़, चलो जी फिक्स हो गया 90 करोड़। या आप हमें यह बता दो कि किस मेथड से निकलेगा। वो मेथड उन 6 में से भी चुने जा सकते हैं और अलग मेथड भी बनाए जा सकते हैं और उन 6 में से भी कुछ एडजस्टमेंट करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसे आप पेपर में लिख के दे दो, कम से कम इसका झगड़ा तो खत्म हो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन था। इन चीजों के झगड़े तो खत्म हो जाएंगे। ओके, वैलिडिटी ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, क्या वैलिडिटी है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल, और अगर उससे कम चाहें तो आप अपने एग्रीमेंट में लिखवा लें। रोल बैक प्रोविजन क्या है? आप बैक ईयर के लिए भी इसको अप्लाई करवा सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 साल। 4 साल बैक के लिए अप्लाई करवा सकते हो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इट इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन द पर्सन एंड कमिश्नर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। APA शैल नॉट अप्लाई इफ देयर इज एनी चेंज इन लॉ और फैक्ट। अगर कोई लॉ में या फैक्ट में चेंज हो जाए तो APA खत्म हो जाएगा। अगर कल को पता चलता है CBDT को कि आपने APA फ्रॉड से लिया है तो वैसे भी वो वॉइड एबेन इशू हो जाएगा और शुरू से सारा काम दोबारा होगा। ठीक है, अब आइए इफेक्ट, और इसी में रोल बैक को भी साथ में मैं कवर करता हूँ। अज्यूम करते हैं कि मैंने अग्रीमेंट, क्या ठंड लग रही है? बंद तो कर दिया, क्या चाहिए तुझे बोल? समोसे चाहिए? क्या 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 बोल बोल? हाँ, 2 मिनट लंबी लंबी सांस लें। सुबह से पढ़ रहे हैं, मैं तो सुबह से लेटा हुआ था तो फिर मेरे रिक्वायरमेंट में कहीं रेस्ट आपको दिखा? ओह, मेरे लिए रेस्ट बोला? अच्छा, तुझे दिख रहा होगा कि मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा हूँ, थक गया, पसीने पसीने हो गया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इफेक्टिव तभी हो पाता है, ठीक है, रेस्ट तो अच्छी बात है, 2-2 मिनट का रेस्ट तो चलना चाहिए। इफेक्टिव तब हो पाता है जब आप इसको थोड़ा पढ़ के आते हो और थोड़ा जाकर पूरा, थोड़ा नहीं पूरा जाकर पढ़ते हो। जैसे आप नेक्स्ट क्लास से पहले आज आप जहाँ तक पढ़ाओ वहाँ तक पढ़ लें और अपने क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो रिवाइज़ कर लें। अभी हम इसके 10 ईयर वगैरह भी रिवाइज़ करेंगे, RTP भी रिवाइज़ करेंगे, तो अगर आप क्लास वाला रिवाइज़ कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म ही कर देंगे। अभी आपको पता है ना ये सफ़र काफ़ी लंबा है। अभी आपको लग रहा है कि हमने तो बहुत जल्दी कवर कर लिया, नहीं, अभी हमारा सेफ़ हार्बर रूल है, उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेफ हार्बर रूल के बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के बाद फिर हम जो मिसलेनियस टॉपिक था फॉरेन टैक्सेशन का, फॉरेन टैक्सेशन का मिसलेनियस टॉपिक था, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट तो रेस्ट में तो कुछ बातचीत करते हैं वो कर रहे हैं, पता चला आपको रेस्ट तो किया ही नहीं हमने। मिसलेनियस टॉपिक है ना, अरे जिसमें इंटरेस्ट को हम रिस्ट्रिक्टेड करते थे EBI DAT में, याद आया आपको 30%, या इक्वलाइजेशन लेवी था, ये सब भी तो कवर करेंगे। चलो 2 मिनट का रेस्ट हो गया। बताओ एक व्यक्ति ने APA प्रीवियस ईयर 18-19 से 22-23 तक के लिए लिया है, तो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है 5 साल। APA एंटर्ड फॉर AY 1920, भाई प्रीवियस ईयर 18-19 है तो AY क्या होगा 1920, और प्रीवियस ईयर 22-23 है तो AY क्या होगा 23-24। अब ये एंटर हुआ है 5 जनवरी 2020 को, 5 मार्च 2020 को, यानी अप्लाई हमने इन वर्ष के लिए किया था। अप्लाई करते ही थोड़ी ना एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो मान लीजिए मैंने अप्लाई ज़रूर किया था यहाँ, लेकिन ये यहाँ जाकर फाइनलाइज हुआ, पॉसिबल है। पहला केस देखिएगा, अभी रोल बैक को भी कवर करेंगे। पहला केस बताइए फाइनलाइज कहाँ हुआ है, शायद यहाँ फाइनलाइज हुआ है, यही है ना, यहाँ फाइनलाइज हुआ है, बल्कि ये भी नहीं है, और हम देखें तो ठीक से तो बिल्कुल यहाँ फाइनलाइज हुआ है। ओके, आप इन वर्षों को अभी फिलहाल तो भूल जाएं, ठीक है। सीधी बात है, मैंने APA इन 5 वर्षों के लिए लिया है, मैंने अप्लाई तो यहीं कर दिया था, लेकिन साइन होने में टाइम लग गया। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस वर्ष की कोई समस्या नहीं है, समस्या इस वर्ष की है, जो वर्ष अग्रीमेंट साइन करने के पहले गुजर गया है। क्या समस्या साहब? समस्या यह है कि इस वर्ष का ITR मैंने फाइल कर दिया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि असेसमेंट नहीं हुआ है, तो मैं ITR रिवाइज कर देता हूं, लेकिन रिवीजन का टाइम ही चला गया उस्ताद। रिवीजन तो मैं यहीं तक कर सकता था ना, 31 मार्च तक। तो क्या मुझे वाकई में सिर्फ 25-26 दिन मिलेंगे? नहीं, मुझे 3 महीना मिलेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अग्रीमेंट इज साइंड। उसके अंत के 3 महीने तक मैं अपने इस रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड रिटर्न, नॉट रिवाइज रिटर्न। तो रिटर्न कैन बी मॉडिफाइड, मुझे मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बताइए अगर मैंने इस वर्ष का रिटर्न ही नहीं भराया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो समस्या। लेकिन अगर मैंने रिटर्न भर दिया है और असेसमेंट नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और मान लीजिए मैंने रिटर्न भी फाइल कर दिया, असेसमेंट भी खत्म हो गया, तब 2 बातें होंगी, मुझे मॉडिफाइड रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और AO को सरकार ने कहा कि तू अब असेसमेंट भी इसका दोबारा कर। समझे या नहीं? तो हम लेते हैं पहला केस, ITR फॉर AY 19-20 यानी PY 18-19 इज फाइल्ड, इस दिन से पहले फाइल हो गया है, बट भगवान का शुक्र है कि अभी असेसमेंट, नो असेसमेंट इज पेंडिंग, ना असेसमेंट स्टार्ट हुआ है ना कंप्लीट हुआ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तब SSC को सिर्फ मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। बोलिए कहाँ तक बताया मैंने? 3 महीने कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अग्रीमेंट इज साइंड। एंड ऑफ द मंथ क्या है? 31 मार्च 2020, उससे 3 महीना 30 जून तक मुझे मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए ITR तो फाइल कर दिया था, साथ में असेसमेंट भी स्टार्ट हो गया था, और इस डेट को असेसमेंट पेंडिंग था। सर समझे नहीं, ये डेट कहाँ से आ गया, ये डेट कहाँ से कम वक्त आ गया, अभी तो ये डेट चल रहा था सर, ये डेट कहाँ से आ गया? देखिए आपने रिटर्न भर दिया था, ठीक, असेसमेंट पेंडिंग था, और उधर अग्रीमेंट साइन हो गया। तो पहला काम तो आप ये करें कि इसके मंथ एंड के 3 महीने तक आप रिटर्न फाइल कर दें। अब रिटर्न फाइल कहाँ तक करेंगे आप? 30/6 तक। मान लेते हैं कि रिटर्न आप यहाँ फाइल कर, और 30/6 को जाके थोड़ा ना फाइल करोगे, उसके पहले तक भी कर सकते हो। मान लेते हैं 15/6 को रिटर्न जब फाइल करने गए, मॉडिफाइड रिटर्न जब फाइल करने गए, समझे क्या, ये 15/6 कौन सा है। मॉडिफाइड रिटर्न जब फाइल करने गए तो उस समय असेसमेंट पेंडिंग था, तो एसएससी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेगा और एओ कंप्लीट करेगा अपने पेंडिंग असेसमेंट को बाय अप्लाइंग टर्म्स एंड मेथड स्पेसिफाइड इन एपीए एंड सच असेसमेंट कैन बी कंप्लीटेड अप टू नॉर्मल टाइम लिमिट प्लस 12 मंथ्स। ये इंक्रीज हो जाएगा। तो बताइए, अगर आपने यहाँ रिटर्न फाइल किया था और ना असेसमेंट हुआ ना कुछ, तो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दो और घर बैठ जाओ। मान लो कि यहाँ पर आपने रिटर्न फाइल कर दिया था, यहाँ अग्रीमेंट साइन हो गया, 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना था, जब आप रिटर्न फाइल करने गए उसके कुछ दिन पहले ही असेसमेंट चालू हो गया। तो असेसमेंट इज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड एट द टाइम व्हेन यू फाइल एक्चुअल मॉडिफाइड रिटर्न। देन क्या होगा, सरकार ने एओ को कहा तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि तू मॉडिफाइड रिटर्न को ठीक से देख और एपीए के अकॉर्डिंग ही सारे नियम को अप्लाई करके उसका असेसमेंट करेगा, मनमानी नहीं करेगा। तीसरा केस लेते हैं कि इस डेट के पहले ही असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया। पहला डेट असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था, दूसरा डेट स्टार्ट बट नॉट कंप्लीटेड, तीसरा डेट असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया, तो सरकार कहती है आप चिंता ना करो, आप तो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करो। फिर हम एओ को कहेंगे कि तुझे फ्रेश हम 1 साल का समय देते हैं, तू असेसमेंट इसका दोबारा से कर। तो तीसरा केस देखिए क्या है, रिटर्न आपने फाइल कर दिया था, असेसमेंट भी पूरा हो चुका था उस समय जब आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर रहे थे, उससे पहले ही आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया था, मान लेते हैं ऐसा हुआ, तब क्या होगा। नाउ एओ शैल रीअसेस द इनकम ऑफ एसएससी बाय अप्लाइंग the terms of APA. Such assessment dated within 1 year from the end of the year in which the modified return is filed. Modified return file किया है आपने 22-23 में, तो 22-23 में किया, कब किया आपने modified return file किया आपने 21-22 में, नहीं 20-21 में। तो 20-21 के अंत से 1 साल यानी 31 मार्च 2022 तक एओ उस assessment को पूरा कर पाएगा जो assessment sign date के पहले ही पूरा हो गया था। ठीक है जी, अब यही चीज वापस लेकर आते हैं, सेम क्वेश्चन है। आपने एपीए कहाँ पर साइन किया है, यहाँ साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ इशू ये है कि अब एसएससी चाहता है रोल बैक। का क्या मतलब हुआ, देखिए इस ईयर के लिए आप भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन में मज़ा ये आता है कि आप पूरा पिक्चर देख चुके होते हो, तो पूरा पिक्चर देखने के वजह से ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा देख लिया आपने, पूरा पिक्चर देखने के वजह से आपका दिमाग डेवलप हो चुका होता है, तो जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ उस समय आई थी समझने में वो ख़त्म हो जाती है। अभी दोबारा में जरा सुनिए मेरी बात, आपको इन वर्षों की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पहले अग्रीमेंट साइन हो गया, तो जब इसका असेसमेंट होगा तो एपीए के मुताबिक हो। इसकी दिक्कत थी, हमने ठीक कर दी पीछे 3 केसेस बना के। ये जो ईयर है इस ईयर के लिए तो आपने एपीए मांगा भी नहीं है, मांगा है क्या, मांगा भी नहीं है आपने, लेकिन आप कहते हो कि देखो रॉयल्टी वही वाला यहां भी पे किया है तो इस साल का भी लगवा लेते हैं एपीए, लग जाने दो एपीए। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है कि एओ किसी भी वर्ष का रीअसेसमेंट चालू कर दे और वो ये झगड़ा करे कि भैया एपीए के कूड़े में डाल, एपीए इस साल का थोड़ी ना है, मैं नहीं मानता, मैं एपीए को, मैं इस साल का मेथड अलग निकालूंगा। तो हम चाहते हैं कि पीछे के वर्ष का भी आप एपीए लगवा दो, जो कि वर्ष भी खत्म हो गया, असेसमेंट भी हो गया होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर एसएससी चाहता है बैक ईयर का रोल बैक, तो देखिएगा पहली शर्त यह है कि उसे इन सभी वर्षों में अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और सभी वर्षों में उसे एपीए लेना पड़ेगा। वो चुन नहीं सकता कि इनमें से एक के लिए मुझे लगाना है और दूसरे के लिए नहीं लगाना है, या तो वो चारों वर्ष का लेगा या चारों वर्ष का नहीं लेगा। हाँ, इन चारों वर्षों में कुछ वर्ष का ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। आ सकता है मुश्किल सा, पहली बात कि एसएससी कहता है कि मैं 4 में से 2 वर्ष का लेना चाहता हूं, अप्लाई करवाना चाहता हूं रोल बैक, वो नहीं पॉसिबल है, 4 वर्ष ऑप्ट करना है। लेकिन आगे एक केस ऐसा है जिसके वजह से ऑटोमेटिकली 4 में से 1-2 वर्ष में एपीए नहीं अप्लाई होगा। वो कैसा है साहब? एसएससी कैन नॉट अप्लाई एपीए फॉर रोल बैक पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इन विच ही फेल्ड टू फर्निश रिटर्न। भैया अगर इसमें से इस साल का रिटर्न ही नहीं तूने भरा है तो नहीं लगेगा। दूसरा, ही फेल्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर 92E। तीसरा, अपील इज डिसाइडेड बाय ITAT बिफोर साइनिंग APA। अब देखो तुम पढ़ते समय ये चीज़ें तुमको ज़्यादा नहीं समझ आई थी, लेकिन आज अपील पढ़ चुके हो। देखो जरा ये साइन हुआ, मान लो इस ईयर का असेसमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया, आप CIT अपील के पास 30 डेज के अंदर गए, ITAT के पास चले गए, ITAT ने फैसला इसके पहले सुना दिया है। तो भैया ITAT ने जब फैसला सुना दिया है तो APA बीच में क्यों डाल रहा है? तू झगड़ा करवाएगा क्या ITAT और CBDD के मेंबर का कि बड़ा कौन? इसलिए अगर ITAT ने इनमें से किसी वर्ष का डिस्प्यूटेड मैटर जो आप अपील में लेकर गए होंगे, इसके पहले ITAT ने अगर अग्रीमेंट साइन करके फैसला सुना दिया है तो उसके लिए आप APA नहीं ले सकते। और ये बेस्ट पार्ट है, याद रखिएगा, अगर APA अप्लाई करने से रिटर्न्ड इनकम रिड्यूस हो रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सरकार कहती है कि आपको अगर रोलबैक पीरियड चाहिए तो आपके तरफ से 4 ऑप्ट होगा। हम मना कर दें तो बात और है, हम मना करेंगे अगर आपने इनमें से एक भी किसी भी वर्ष का रिटर्न नहीं भरा है तो उस वर्ष के लिए मना कर देंगे। दूसरा केस, अगर आपने रिपोर्ट 92E में नहीं लगाया है तो उस वर्ष के लिए मना कर देंगे। तीसरा केस, अगर उस वर्ष का असेसमेंट कंप्लीट होकर अपील ITAT में गया था और ITAT ने फैसला सुना दिया अग्रीमेंट साइन करने से पहले, तो उस केस को भी, उस पर्टिकुलर ईयर को भी APA नहीं लगेगा। और तीसरा और आखिरी, अगर APA लगाने से रिटर्न इनकम रिड्यूस हो जाए। मन में आपके आएगा कि जब इनकम रिड्यूस करवा ही नहीं सकता मैं तो APA क्यों लूंगा? लेकिन आप ठीक से नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूं रिटर्न इनकम। जैसे रिटर्न इनकम आपने 50 करोड़ दिखाया था, ग्रीन एरिया के किसी भी ईयर को चुन लीजिए, आपने रिटर्न इनकम 50 करोड़ दिखाया था, AO ने आपके ऊपर आर्म्स लेंथ प्राइस लगाया कंसेप्ट, और उस 50 करोड़ को उसने 60 करोड़ कर दिया। आप APA लगाकर देख रहे हो तो वहाँ पर आपकी टोटल इनकम आ रही है 54 करोड़। तो आप लगा सकते हो APA, 60 से तो कम हुआ, लेकिन अगर APA लगाने से 45 करोड़ आ रहा है, यानी आपके रिटर्न इनकम से भी कम आ रहा है, तो सरकार कहती है भैया तुमने तो खुद ही बताया ना 50, उसके नीचे क्यों जा रहे हो? बट आफ्टर अप्लाइंग APA उसके नीचे आ रहा है, नहीं वो सब नहीं होगा। देखो येलो एरिया में तुम करवा लो जो करवाना है, येलो एरिया के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है, अगर उसमें रिटर्न से भी कम आ रहा है तो चलेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, गौर कीजिएगा, इस ईयर का रिटर्न फाइल हुआ, इनकम 50 करोड़ बट APA लगाने से इनकम 45 करोड़ आ रहा है, चलेगा। तुम्हारा रिटर्न इनकम भी कम हो रहा है, चलेगा, क्योंकि तुमने इसके साइन करवाए, बट बैक ईयर के लिए तो साइन है नहीं, हम तुमको दे रहे हैं, एहसान मानो। तो तुम ये मत सोचना कि यार फिर फायदा क्या है, जब रिटर्न इनकम से नीचे जा ही नहीं सकते फायदा क्या है, असेस्ड इनकम से तो नीचे जा सकते हो, फायदा तो होगा। तो 4 केसेस जहां आप बैक ईयर का रोल बैक नहीं ले सकते, वो ये है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये वो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, केस 1 डिक्लेयर इनकम, रिटर्न इनकम, एक्चुअल डिक्लेयर इनकम, रिटर्न इनकम, जो भी मैंने बताया था, ये वो एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे सेफ हार्बर रूल और इसके आगे के प्रोसीजर। TP में हम जल्दी से रिवाइज करके फिर क्वेश्चन पर आएंगे। आपका काम है कि जो घर पे मैंने क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए हैं उसको आज जरूर करके घर पे बताइएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। ट्रांसफर प्राइसिंग की आज रिवीजन लेक्चर में आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तक कर लिया था, शायद चेक करते हैं एक बार। पहली क्लास रिवीजन में हमने किया सेक्शन 90 इंटरनेशनल टैक्सेशन का ये पहला हिस्सा है ट्रांसफर प्राइसिंग। सेक्शन 92 कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ पे निकालेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे ये 92B बताता है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 92BA बताता है। कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस 92C में मेथड प्रेस्क्राइब किए गए हैं। 92D डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बताता है। 92E रिपोर्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट लेना पड़ेगा। सेफ हार्बर रूल, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इफेक्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो इसमें हमने सेक्शन 92 कर लिया था लास्ट क्लास, 92B कर लिया था जिसमें दो तरह के ट्रांजैक्शन हैं, प्योर और डीम्ड। 92BA 92A इसके दो सब सेक्शन थे, पहले में जनरल क्लॉज था और दूसरे में स्पेसिफिक बताया गया रिलेशन, 12 तरह के रिश्तेदारी, 2 इक्विटी, 2 लोन, 2 डायरेक्टर, 3 बिजनेस कंट्रोल और 3 बिजनेस स्टेटस। इसके बाद 92C हमने किया था मेथड्स। 92C में मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट में अगर एक से ज़्यादा प्राइस आता है तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तो नॉर्मल एवरेज निकालेंगे जो अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं और दूसरा जिसमें मीडियन के तरीके से निकाला जाएगा डेटा सेट के थ्रू। सबसेक्शन 3 कहता था कि एसेसिंग ऑफिसर के पास 4 परिस्थितियों में ये पावर होगा कि वो आर्म्स लेंथ खुद निकाले। सबसेक्शन 4 कहता था कि अगर एओ ने आर्म्स लेंथ खुद निकाला और इनकम बढ़ा दी तो बढ़ी हुई इनकम पर हम डिडक्शन को दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे और टीडीएस एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद रेफरेंस टू टीपीओ था, टीपीओ को रेफर कर सकता है एओ, टीपीओ एसएससी को नोटिस भेजता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाता है। टीपीओ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के आधार पर आर्म्स लेंथ निकाल के एओ और एसएससी दोनों को दे देता है। टीपीओ चाहे तो अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है विदिन 4 ईयर। टाइम लिमिट क्या है पास करने की ऑर्डर, जो असेसमेंट की टाइम लिमिट होती है टीपीओ में भेजते ही 12 महीने बढ़ जाते हैं, उसके 60 दिन पहले आप भेज सकते हो ऑर्डर एओ को। इसके भी सबसेक्शन हमने कर लिए थे। सबसेक्शन 6 रेक्टिफिकेशन का था, अमेंडेड ऑर्डर भेजा जाएगा। टीपीओ क्या अपनी मर्जी से भी कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन चुन सकता है जिसका वो आर्म्स लेंथ कैलकुलेट करेगा। आंसर था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यस, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक के लिए नो। ये हमने आपने किया लास्ट क्लास, मैंने कहा था घर जाकर इसको एक बारी कर लेना, नहीं किया। मेथड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे वो क्वेश्चन आपको एक बारी कर लेना चाहिए था। करा था नहीं करा था? कुछ भी नहीं करा, 2-3 क्वेश्चन किए। अच्छा, इसके बाद हमने किया डेटा सेट का कंसेप्ट। डेटा सेट के कंसेप्ट के बाद फिर हमने किया था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, और उसके इफ़ेक्ट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट और उसका इफ़ेक्ट हमने कर लिया था, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आज हम रिवीजन शुरू करते हैं यहाँ से। आज हम रिवीजन यहाँ से शुरू करते हैं। सेफ हार्बर रूल बताइए, सेफ हार्बर रूल के लिए क्या हमें अप्लाई करना पड़ता है? यस, सेफ हार्बर रूल के लिए एसएससी को अप्लाई करना पड़ता है। एसएससी अप्लाई करता है एओ को और एओ अलाउ करता है सेफ हार्बर रूल। एसएससी अप्लाई करता है एओ को। एओ शैल एग्जामिन द फॉर्म एंड डिसाइड विद इन 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन वेदर सेफ हार्बर रूल जो अप्लाई किया है एसएससी ने वो एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, या वो टीपीओ को भी रेफ़र कर सकता है। अगर कोई एक्शन 2 महीने के अंदर नहीं लिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट किया है और सेफ हार्बर रूल को 5 वर्षों तक वैलिड माना जाएगा। सेफ हार्बर रूल को 5 वर्षों तक वैलिड माना जाएगा। वेयर रिपोर्टेड इनकम इज लेस देन सेफ हार्बर रूल, रिपोर्टेड इनकम मतलब जो आप आईटीआर में रिपोर्ट करते हो, वेयर रिपोर्टेड इनकम इज लेस देन सेफ हार्बर रूल, इनकम इज टू कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ हार्बर रूल। यानी अगर सेफ हार्बर रूल से कम आपने आईटीआर में फाइल किया है और सेफ हार्बर रूल आपने एप्लीकेबल हो गया तो सेफ हार्बर रूल के आधार पर आपकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सेफ हार्बर रूल दो ऐसे केसेस हैं जहां पर 3 लगा लीजिए, ऐसे केस हैं जहां पर सेफ हार्बर रूल अप्लाई आप नहीं करवा सकते। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है ऐसे फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो कि नो टैक्स लो टैक्स में सिचुएटेड है या नॉन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया एनजेए में लोकेटेड है। फिर से बताइए, सेफ हार्बर रूल आप पहले क्या करते हो, अप्लाई करते हो किसको, एओ को। एओ विद इन 2 मंथ डिसाइड करता है कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें। अगर विद इन 2 मंथ एक्सेप्ट कर लेता है ठीक, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम मानते हैं कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। सेफ हार्बर रूल एक बार अगर एक्सेप्ट हुआ तो 5 वर्षों तक वैलिड माना जाएगा। करेक्ट। सेफ हार्बर रूल 3 परिस्थितियों में अप्लाई नहीं कर सकते आप। पहला, जब आपका एसोसिएट फॉरेन एंटरप्राइज नो टैक्स या लो टैक्स कंट्री में सिचुएटेड है। बताइए, लो टैक्स कंट्री किसको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम टैक्स रेट 15% से भी कम हो और नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, जो हम सेक्शन 94A में सेपरेटली चैप्टर में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा हमारे सेफ हार्बर रूल में, सेफ हार्बर रूल अप्लाई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। सेफ हार्बर रूल बुक में तो मैंने दे ही दिया था, साथ में नोटिंग कराई थी, थोड़ा सा शॉर्टकट करके नोटिंग कराई थी और ये आपको रटना पड़ेगा। कुछ पता नहीं एग्जामिनर कैसे पूछे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, सिर्फ ये पता करने के लिए पूछ ले कि बताइए कि ये सेफ हार्बर रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा है, इन बातों पे गौर करना पड़ेगा, सर्विस दे रहा है कि ले रहा है। इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज अपने फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा है या आईटी अनेबल्ड सर्विस दे रहा है, आईटी अनेबल्ड सर्विस दे रहा है, ठीक। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ तक है तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% होना चाहिए कम से कम, और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा बट 200 करोड़ तक है तो 18% कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो मे बी एग्जाम में ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिया हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हो, आप खुद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के उसका प्रतिशत कैलकुलेट करोगे। तो 100 करोड़ तक है 17% कम से कम चाहिए, 100 करोड़ से 200 करोड़ तक है 18% कम से कम चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर सर 200 करोड़ के ऊपर चला गया तो क्या होगा, तो सेफ हार्बर रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर 200 के ऊपर चला गया तो सेफ हार्बर रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब इसी में दोबारा देखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही सर्विस है लेकिन ये R&D वाली सर्विस है। R&D वाली सर्विस, R&D का मतलब हुआ, इसमें मैंने बताया था, पढ़ाया था बुक में, सॉफ्टवेयर जो ये डेवलप कर रहे हैं ये ऑलरेडी जो कंप्यूटर के लैंग्वेज स्टैब्लिश हैं उसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर लैंग्वेज भी नया यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे जेनेरिक फार्मेसी का हो, दोनों में R&D में हमको चाहिए 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो R&D में क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है और जहाँ जो ज़्यादा रिस्क उठाएगा लाभ भी ज़्यादा कमाएगा। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क होने की वजह से यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको चाहिए मिनिमम 24% और आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वैल्यू 200 करोड़ तक इसमें हो सकता है। ठीक है, तो पहला बताइए क्या था, साधारण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस या साधारण आईटी एनेबल्ड की सर्विस। इनमें आप अगर 100 करोड़ तक रखते हैं इंटरनेशनल वैल्यू ट्रांजैक्शन की तो आप 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाइए, अगर आप 200 तक रखते हैं तो 18% निकालिए। R&D है 24% चाहिए 200 करोड़ तक। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स सर्विस, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स सर्विस अगर 200 करोड़ तक है, 200 करोड़ तक क्या है जो वैल्यू आपने चार्ज किया है, इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए आउटसोर्सिंग का काम कर रहा है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम कर रहा है और उसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहा है। 200 करोड़ तक अगर वो पैसा चार्ज करता है तो कैसे प्रॉफिट कमाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये निर्भर करेगा कि इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज ने उस प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग को हैंडल करने के लिए अपने कितने एम्प्लॉय कॉस्ट इन्वॉल्व किए। ठीक, इसको ज़रा सावधानी से, पहले हम एम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे, टोटल ऑपरेटिंग खर्चे को यूज़ करके एम्प्लॉय कॉस्ट का प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर टोटल ऑपरेटिंग खर्चे में एम्प्लॉय के खर्चे ही 60% या उससे ज़्यादा है तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए 24%। अगर ये 40 से 60 के बीच में है तो 21, 40 के बिलो है तो 18। क्यों सर? लेबर और मटेरियल मार्जिन ज़्यादा कहाँ होता है? लेबर में। हम लोग कौन हैं जो आपको सर्विस दे रहे हैं? लेबर, मतलब सर्विस और गुड्स में मार्जिन कहाँ ज़्यादा है? सर्विस में, क्योंकि हमारे शरीर और हमारा मन इन्वॉल्व होता है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा मार्जिन, एम्प्लॉय कॉस्ट कम है तो कम मार्जिन। याद रहेगा इसे। अगला, अगर इंटर ग्रुप लोन है, अगर इंटर ग्रुप लोन है और इंडिया ने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और ब्याज रिसीव कर रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज लोन आउटसाइड इंडिया दे रहा है अपने रिश्तेदार को, एसोसिएट एंटरप्राइज को, और इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है। तो लॉ क्या कहता है? अगर ये लोन डॉलर में है, अगर ये लोन फॉरेन करेंसी में है तो ये चलेगा, और अगर लोन इंडियन करेंसी में है तो कहाँ चला गया? दोनों एक साथ लिखवा दिया क्या मैंने? अच्छा, दोनों एक साथ लिखवा दिया। अगर इंडियन करेंसी में है तो लेफ्ट, फॉरेन करेंसी में है तो राइट वाला परसेंटेज चाहिए। याद कैसे करिएगा, इंडियन करेंसी में है तो SBI को आप स्टैंडर्ड लैंडिंग मार्क पकड़िए, और अगर डॉलर में है तो लिबोर को पकड़िए। उसमें हमको थोड़ा सा ऐड करके चाहिए। ऐड कैसे करना है? अगर मैं जिस कंपनी को लोन दे रहा हूँ उसका क्रेडिट वर्थनेस अच्छा है तो ब्याज हमको वो कम देगा, और क्रेडिट वर्थनेस बेकार है तो हमको ब्याज वो ज़्यादा देगा। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग AAA to A है, AAA टॉप होता है, AAA AA तो AAA to A है क्रेडिट रेटिंग, तो हमको सिर्फ 0.25% या उधर 25 पैसा कम है, 1.5% एक्स्ट्रा चाहिए। और अगर BBB- है, BBB है, BBB+ है तो, BB to B है तो, और C to D है तो। ठीक है, अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं है, नहीं, क्रेडिट रेटिंग नहीं है और लोन 100 करोड़ तक है, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है क्रेडिट रेटिंग नहीं और लोन 150 करोड़ है तो सेफ हार्बर रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये है इसका। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम गारंटी में, कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी अगर 100 करोड़ तक ली गई है तो क्या लिखा हुआ है 1% पर एनम या उससे ज़्यादा हमको चाहिए, और 100 करोड़ से ज़्यादा है और क्रेडिट रेटिंग सेबी ने अप्रूव किया है तो भी 1% चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 करोड़ से ज़्यादा है तो सेफ हार्बर रूल तभी लगेगा जब सेबी से अप्रूव्ड है, और 1% पर एनम कम से कम गारंटी ली जा रही हो। बता सकते हैं गारंटी दे कौन रहा है? इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज। किसको दे रहा है गारंटी? फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए गए लोन के ऊपर, और गारंटी कमीशन इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज कलेक्ट कर रहा है। अगर आप ऑटो कंपोनेंट के कोर पार्ट, कोर पिस्टन, स्टीयरिंग, इंजन, कोर पार्ट, मुख्य पार्ट अगर आप मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हो और मैन्युफैक्चर्ड करके अपने ही रिश्तेदार को एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 12% चाहिए। और अगर कोर पार्ट नहीं है तो सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन कोर के लिए नहीं है, कोर के लिए। 7वां नंबर जो आखिरी था, ये नया जुड़ा था इसलिए ध्यान से, 7वां नंबर नया जुड़ा है, ध्यान से। इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज बाहर के एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए एक सर्विस ले रहा है, लो वैल्यू एडेड सर्विस। फिर से समझिए, फिर से समझिए। इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज से लो वैल्यू सर्विस ले रहा है और विदेशी को पेमेंट दे रहा है। लो वैल्यू एडेड का क्या मतलब हुआ? लो वैल्यू एडेड का मतलब हुआ ऐसी सर्विस जो मैं अपने दी गई सर्विस के ऊपर अगर चढ़ाऊं तो उसका कोई एडिशन ज़्यादा नहीं होगा इन्वॉल्व, उसे लो वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं। लो वैल्यू एडेड सर्विस, आप देखिएगा बुक निकाल के, या रहने दीजिए मैं निकाल देता हूं बुक। जैसे मान लो कि मैं एक इंटीरियर डेकोरेशन का काम कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, तो आपसे मैंने क्या काम करवाया? अपना एक कोई आउटसोर्सिंग का काम करवाया, तो आपसे मैंने क्या करवाया? हो सकता है कि आपसे डिज़ाइनिंग का सिर्फ काम करवाया, लाइटिंग का काम करवाया, तो आपसे मैं जो सर्विस ले रहा हूं वो सर्विस मेरे टोटल प्रोजेक्ट में क्या रेशियो रखता है? लो वैल्यू एडेड रेशियो होना चाहिए। देखिएगा सेफ हार्बर रूल, लो वैल्यू एडेड इंट्रा ग्रुप सर्विस मीन्स सर्विस दैट आर परफॉर्म्ड बाय वन और मोर मेंबर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ वन और मोर अदर मेंबर ऑफ द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप एंड विच आर इन द नेचर ऑफ सपोर्ट सर्विस, आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोर बिजनेस। सपोर्टिव सर्विस होना चाहिए। हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग सर्विस, अगर मैं अपने कार्य जो मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ उसके लिए आपसे मैंने कुछ सपोर्ट सर्विस ली, वो R&D है या वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कोई IT की सर्विस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये नहीं माना जाएगा लो वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, अच्छा। द एंटायर वैल्यू, अब लो वैल्यू एडेड का मतलब तो बता दिया, अब इस पर आइए। जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं वो 10 करोड़ तक अगर है तो मुझे कितना चार्ज, इसे कितना चार्ज करना चाहिए मुझसे? जो मेरी कॉस्ट है उसके 5% से ज़्यादा चार्ज नहीं, ये सॉरी, इनकी जो कॉस्ट आ रही है उसके 5% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। यानी इन्होंने जो मेरे लिए सर्विस दी है उसकी कॉस्ट इनको आई होगी, मान लेते हैं कॉस्ट आई है 10 करोड़, तो 10 करोड़ के 5% को और जोड़ लें, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मेन प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका नहीं निभा रहे, ये लो वैल्यू एडेड सर्विस ले रहे हैं, तो इनको हम ज़्यादा मार्जिन नहीं होने देंगे। तो जितना इनकी कॉस्ट आ रही है जितनी, उसके 5% और ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 करोड़ तक है तो। ये था सेफ हार्बर रूल, जिससे हम डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि याद करना पड़ेगा, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा, याद तो आपको करना पड़ेगा। इसमें आप अगर ट्राई करेंगे तो 1 घंटे आधे घंटे लगाने पर याद हो जाता है। देखिए, गिनती करके उंगलियों में बांध लीजिए 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में आप देखेंगे तो 4 पॉइंट आपको वैसे ही याद रहेगा, तो सिर्फ 3 पॉइंट की तो मुश्किल है, उसे भी देखते देखते याद कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1 ही पॉइंट की मुश्किल है, और वो है ब्याज वाला। ब्याज वाला थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब में कोई खास दम नहीं है, वो रटा जा सकता है। ठीक है, आइए हम रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट 92D, ये आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट है ये 92D, क्योंकि ये 286 के साथ बाद में कनेक्ट हो जाएगा। 286 जिसमें लोकल फाइल था, मास्टर फाइल था, जिसके पेनल्टी मुश्किल है। आज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो इसकी नॉलेज आपको तगड़ी होनी चाहिए कि क्या होता है मास्टर फाइल, क्या होता है लोकल फाइल, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, किसको रिपोर्टिंग करना है, किसकी जिम्मेवारी है रिपोर्टिंग की, अगर नहीं की गई रिपोर्टिंग तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ये पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। एग्ज़ाम में अभी तक कुछ खास यहाँ से नहीं पूछा गया, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सिंपल सेक्शन से, जो कहता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन मेंटेन करो। तो 92D बुक तो नहीं, बुक तो वैसे भी हम मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने को कहता है। तो 92D सबसेक्शन 1 कहता है प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेंटेन। कितने वर्षों तक साहब? 8 वर्षों तक। तो आपको रखना है, मेंटेन करना है और रखना है अपने पास 8 वर्षों तक। कौन कौन से प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये रूल नंबर 10D में बताया गया है। और अगर आपने नहीं मेंटेन किया या नहीं 8 वर्ष तक रखा, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू के 2% को कैलकुलेट करेंगे और आप पर पेनल्टी इंपोज कर देंगे। सबसेक्शन 1 फिर से क्या कहता है, आपको रूल नंबर 10D के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और उसे 8 वर्षों तक संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका 2% पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर एओ ने या सीआईटी अपील ने, अगर एओ ने या सीआईटी अपील ने आपसे वो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मांगे और आपको समय दिया 30 दिन का, तो आप समय एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फर्दर 30 डेज, लेकिन 30 और 30 60 दिन तक भी अगर आपने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट किए तो पेनल्टी लग जाएगा वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का 2%। यहां एक छोटा सा प्रश्न क्लैरिटी के लिए आपको डिस्कस करके देता हूं। अगर मैंने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन ही नहीं किए तो क्या खाक प्रेजेंट करूंगा? तो मेरे पास है ही नहीं डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। एओ ने नोटिस भेजा, मुझसे मांगा, मैंने नहीं दिया, था ही नहीं, मेंटेन ही नहीं किया था। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मेंटेन किया बट नहीं दिया, दूसरा मेंटेन ही नहीं किया। तो क्या मेंटेन ही नहीं करने पर और ना दूं तो क्या ये दोनों पेनल्टी हम पे लग जाएंगी? आंसर है यस, ये दोनों पेनल्टी लग जाएगी। ओके, ये जो आप मेंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन रूल नंबर 10D में जो आपसे एओ मांगता है, ये तभी आपको मेंटेन करना है, मैंने रूल 10D से उठाया है, ये तभी आपको मेंटेन करना है जब एग्रीगेट पूरे साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर। इसका मतलब अगर 1 करोड़ के ऊपर नहीं है आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू तो 92D सबसेक्शन 1 आपको डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने नहीं बोलेगा और ना ही एसेसिंग ऑफिसर आपसे मांगेगा। क्लियर है? ओके, इसी को आगे चलकर हम शब्द इस्तेमाल करेंगे लोकल फाइल या ट्रांसफर प्राइसी स्टडी रिपोर्ट, टीपी स्टडी रिपोर्ट, इसी को आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। 92E कहता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट चाहिए, दोनों में, इंटरनेशनल में भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक में भी, दोनों में चार्टर्ड का रिपोर्ट चाहिए। और ये रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे एवाई के 30 नवंबर तक और नहीं कर पाए तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। अभी तक 3 पेनल्टी डिस्कस की। क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने चेक किया है, उसमें लिखा है कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से रिलेटेड पेनल्टी डिस्कस कर दें। ऐसा करके उन्होंने 2 चैप्टर यूज कर लिए, एक आपके फाइनल में पेनल्टी भी पढ़ रहे हैं आप और ट्रांसफर प्राइसिंग भी पढ़ रहे हैं, वो दोनों यूज कर लिया उसने। पेनल्टी रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग बताइए, तो अब हमें सेक्शन भी रटना पड़ेगा, 271AA, 271G और 271BA। CA वाला तो याद रहेगा ना, BA, CA वाला तो BA याद रहेगा। अधिकांशतः पेनल्टी 271 में ही है, बस उसी के सीरीज बढ़ रहे हैं। 270 में एक पेनल्टी है, 270 के 2-3 और सेक्शन है, बट ज़्यादातर पेनल्टी 271 में है। ओके, आइए 92D सबसेक्शन 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताइए तो 92D सबसेक्शन 1 क्या कहता है? क्या कहता है कि हमको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कीप एंड मेंटेन करना पड़ेगा। गौर किया जाए तो क्या मुझे सबसेक्शन 1 में सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है? क्या करना पड़ेगा हमें? कीप एंड मेंटेन। सबमिट करना है क्या? नहीं, सबमिट तब करना है जब हमसे मांगा जाए। समझे कि नहीं? डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है, लेकिन सबमिट तब करना है जब हमसे एओ और कमिश्नर अपील मांगे। अब हम आ रहे हैं प्रोविजो में, जो अब हमसे कह रहा है कि दोस्त, प्रोविजो में दोस्त अगर तुम कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हो तो तुमको मास्टर फाइल कीप एंड मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस इसी के सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है मास्टर फाइल सबमिट भी करना पड़ेगा 30 नवंबर ऑफ एवाई। मास्टर फाइल आपको कीप मेंटेन भी करना है 8 साल और अब 30 नवंबर एवाई तक सबमिट भी करना है। लोकल फाइल के लिए तुमसे कहा कि लोकल फाइल कीप एंड मेंटेन करो, जब एओ मांगे, जब कमिश्नर अपील मांगे तो दो। मास्टर फाइल कह रहे हैं सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में कि मास्टर फाइल आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हो तो। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कौन होते हैं हमने पढ़ा भी था, अभी दोबारा देखेंगे। ओके, तो मास्टर फाइल क्या होता है वो भी हमने दिखाया था आपको, फॉर्म भर के दिखाया था कि मास्टर फाइल में कौन से फॉर्म आते हैं। फॉर्म आपको दिखाया था मैंने क्लास में, फॉर्म दिखाया था ना क्लास में। यस सर भी नहीं कहते, ये रहा ना फॉर्म, ये रहा ना मास्टर फाइल, ये देखो ये मास्टर फाइल है। याद आया क्या क्या इन्फॉर्मेशन था? सब मैंने बताया था। उसी तरह लोकल फाइल भी है, सीबीसी रिपोर्ट भी है इसमें, और जो सीए रिपोर्ट सबमिट करता है वो भी है। ये सीए वाला रिपोर्ट है। चलो ये वो है कि बताना पड़ता है कि हम ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हैं। ये जो फाइल अभी अभी दिखाया था फॉर्म, इसमें हमें बताना पड़ता है कि हम ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है या नहीं है। वो तो हम आएंगे ना जब सीबीसी पढ़ेंगे तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, सब सेक्शन 1 कहता है मास्टर फाइल मेंटेन करो और सबमिट भी करो, सबमिट करना पड़ेगा। सब सेक्शन 4 बताता है सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट कब तक करना पड़ेगा, 30 नवंबर तक। जैसे लोकल फाइल के लिए 1 करोड़ की लिमिट थी, उसी तरह मास्टर फाइल की लिमिट है कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू। आप आगे पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा, आपने पढ़ भी रखा है कि मास्टर फाइल, लोकल फाइल तो सभी को मेंटेन करना है, लोकल फाइल तो सभी को मेंटेन करना है, बट मास्टर फाइल सिर्फ इंटरनेशनल ग्रुप के केस में मेंटेन करना है। इंटरनेशनल ग्रुप जिसमें बहुत सारे, कौन कौन, ब्रांच, हेड ऑफिस, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब शामिल होंगे। तो मास्टर फाइल मेंटेन तब करना होता है जब आप इंटरनेशनल ग्रुप में आते हो। ओके, अब बताओ इंटरनेशनल ग्रुप में अगर तुम हो और इंटरनेशनल ग्रुप में 15 कंपनी हैं, तो 15 के 15 कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो उसका जोड़, समझ रहे हैं आप, कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, उसका जोड़ 500 करोड़ से ज़्यादा हो तभी मास्टर फाइल है। प्लस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ज़्यादा हो तभी, या एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, परचेज, लीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट 10 करोड़ से ज़्यादा हो तब। अब इसको कैसे याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं मास्टर फाइल की। मास्टर फाइल मेंटेन भी करना है, सबमिट भी करना है, बट इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप इस लिमिट में नहीं आते तो मास्टर फाइल आपको मेंटेन भी नहीं करना, सबमिट भी नहीं करना। थ्रेशोल्ड लिमिट है, पहली शर्त तो ये है कि इंटरनेशनल ग्रुप का टोटल ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा हो। दूसरी शर्त, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए हैं ग्रुप में, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सब और मैं ग्रुप हैं इंटरनेशनल, बट हमने आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए ही नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू मान लेते हैं 500 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन आपस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब किए ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0 है। ये कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 50 करोड़ से ज़्यादा। या अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन से नेचर का है, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के सेल, परचेज या लीज के नेचर का है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हमने आपके साथ किया है वो सेल, परचेज और लीज ऑफ इंटरनेशनल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का है तो कितने से ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, नीचे वाला और ऊपर वाला, पूरा करेंगे तभी आपको मास्टर फाइल मेंटेन करना है और सबमिट करना है 30 तारीख तक। अगर नहीं किया तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। ठीक है साहब, आगे आते CBC रिपोर्ट। आइए, CBC रिपोर्ट मुश्किल था, कुछ याद है जब पढ़ाया था तो CBC रिपोर्ट? मुझे याद आता है कि बहुत आसानी से आपने समझ लिया था। आज चूंकि समय हो गया इसलिए आप भूल गए। आज आपको लोकल फाइल और मास्टर फाइल जो प्रोविजन है बता दिया अभी। अब आइए CBC रिपोर्ट में, और वो भी आपको आसान लगेगा, मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किल है। CBC रिपोर्ट नया है, मुश्किल नहीं है, अभी 1.5 साल 2 साल पहले आया है, इसलिए लोग इससे डर रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अभी समझाता हूँ। पहली बात तो सेक्शन हमको बताता है 286 CBC रिपोर्ट फर्निश करना है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। ठीक, CBC रिपोर्ट। ओके, देखिए मैं यहाँ पर एक कंपनी ले रहा हूँ इंडिया में, आर लिमिटेड, यूके में ए लिमिटेड, जापान में बी, जर्मनी में सी, और अमेरिका में डी, और मॉरिशस में एम। इस कंपनी ने इसके भी शेयर होल्ड किए हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और इस कंपनी ने इसके शेयर होल्ड किए हैं। कौन ऐसा आपको दिख रहा है जिसके शेयर किसी ने भी होल्ड नहीं किए हैं? ऐसा कौन आर लिमिटेड के शेयर इसने होल्ड किए? ऐसा कौन है जिसके जिसका कोई भी, अच्छा ये शेयर होल्ड सिर्फ नहीं है, ये मोर देन 50% है होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी है ये, इसकी होल्डिंग ये, इसकी होल्डिंग ये, इसकी होल्डिंग ये, इसकी होल्डिंग ये। कौन है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है? ए लिमिटेड, उसे कहेंगे अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेवारी सबसे पहले निकल के आएगी, सबसे पहले हम इनको पकड़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वो कहलाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहलाने के लिए ग्रुप में किसी ने उसके 50% से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड किए हों, होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता होना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहलाएगा। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हैं इसमें, उनका अगर परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है कोई, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहलाएगा, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट यानी ब्रांच, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहलाएगा। आओ साहब, पहले हम लेते हैं पेरेंट एंटिटी किसको कहेंगे। एक मिनट, अल्टीमेट पेरेंट नहीं बोल रहा, पेरेंट, द एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप जो होल्ड करता है 50% या उससे ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी में शेयर्स। कैसे होल्ड करता है? सच दैट पेरेंट एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर लॉ अप्लीकेबल इन दैट कंट्री वेयर पेरेंट एंटिटी इज रेसिडेंट। यानी पेरेंट एंटिटी यूके का, इंग्लैंड का रेजिडेंट है पेरेंट एंटिटी, तो इंग्लैंड के कानून में ये होना चाहिए कि इसका कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा उसमें इन सब के अकाउंट्स सम्मिलित होंगे, ठीक है। और इसके पास होने चाहिए सभी कंपनियों के 50 से ज़्यादा शेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर हुआ ना? ओके, constituent entity, entity of international group that is included in consolidated financial statement of said group। तो constituent entity वो होते हैं जिनका financial statement ultimate holding में शामिल होता है। entity of international group that is excluded from consolidated financial statement due to solely reason of size and materiality। मतलब जैसे कि C Limited जर्मनी में है, इसका अकाउंट्स इसके consolidated अकाउंट में सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसका साइज छोटा है, बाकी सारे कानून पूरे हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो जो सब्सिडरी कंपनी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ब्रांच ऑफ पेरेंट कंपनी या कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, दोनों के जो ब्रांच हैं वो भी माने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। आइए साहब, रूल नंबर 10D कहता था डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए लोकल फाइल, 10DA कहता था प्रोविजो टू सेक्शन 92D सबसेक्शन 1 में मास्टर फाइल मेंटेन करने के लिए, और 10DB कहता है CBC रिपोर्ट बनाने के लिए, 10DB। तो रूल नंबर 10DB भी इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, बहुत आसान है। जितने भी पेरेंट कंपनी इंडिया के रेजिडेंट हैं, हमारे इस एग्जाम्पल में एक ही था इंडिया का रेजिडेंट, आर लिमिटेड था ना। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया वेयर पेरेंट कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। बताइए हमारे में जो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो इंडिया के लिए कौन था? इंग्लैंड में था ना, वो तो इंडिया के लिए एनआर था। ऐसी परिस्थिति में आर लिमिटेड की जिम्मेवारी है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कहे कि क्या वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, और अगर नहीं है तो कौन है पेरेंट एंटिटी या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, उसकी डिटेल दे मुझे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉर्म ये वाला है, ये फॉर्म है जिसमें हमें बताना होता है कि साहब हम नहीं हैं ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। अच्छा तो कौन है? तो कौन है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी? तो साहब ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो ये है। हाँ तो बता, चल उसकी डिटेल दे। नहीं ये नहीं है, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी ये है। दोबारा से सुनिए, शुरुआत किया है भारत में इनके जो ग्रुप का कोई सदस्य मिल जाए उससे। शुरुआत तो उसी से करेंगे ना जिस पर हमारा कंट्रोल होगा। तो आर लिमिटेड को पकड़ा कि बेटा इधर आ, या तो तू सीबीसी रिपोर्ट फाइल कर या बता दे कि कौन है पेरेंट एंटिटी। जी ए लिमिटेड है, लेकिन आपको एक बात बताएं, ए लिमिटेड ना सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगा नहीं, उसने जिम्मेवारी बी लिमिटेड को दे रखी है जी, जापान में है, वही करेगा जी सीबीसी रिपोर्ट फाइल। तो चल ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी की खबर दे। ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है जो पेरेंट एंटिटी के बिहाफ पर सीबीसी रिपोर्ट देगा। क्या पता आर लिमिटेड ही ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हो। सीबीसी रिपोर्ट कौन दे सकता है? या तो पेरेंट एंटिटी या तो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे या तो एक और। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कब देगा सीबीसी रिपोर्ट? पेरेंट एंटिटी दे सकता है। या कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कब देगा सीबीसी रिपोर्ट? जब वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी होगा, क्योंकि सीबीसी रिपोर्ट कौन देगा? या तो पेरेंट एंटिटी देगा या तो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी देगा। ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है जिसको पेरेंट एंटिटी ने नियुक्त किया है कि बेटा मेरे बिहाफ पर ये सारी चीज़ें जमा करा दे, वो कहलाता है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। ये कौन होते हैं? ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि एम लिमिटेड जो मॉरिशस में है उनको भी बना सकते हैं। ठीक, तो पहले मैंने ये बता दिया कि सीबीसी रिपोर्ट दो ही लोग फाइल कर सकते हैं, या तो पेरेंट एंटिटी या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। अब सरकार ने सबसे पहले जो कब्जा किया वो अपने पे किया, आर लिमिटेड पे की धरा। अगर आर लिमिटेड पेरेंट एंटिटी निकला तब तो फिर कहना ही क्या है, तुम तो करो सबमिट। कहता नहीं नहीं हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है। तो अगर इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी मिला, इंडिया में कोई पेरेंट एंटिटी मिला तो क्या होगा वो थोड़ी देर में, अभी हम शुरू कर रहे हैं। इंडिया में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी मिला तो सरकार सिर्फ श्योर होना चाहती है कि बेटा तू ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग तो नहीं है, कहीं तुझे तो नियुक्त नहीं किया। कह रहे ना जी हमको तो नहीं किया। तो कौन है पेरेंट एंटिटी बोल, या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है बता। तो आप भारत सरकार को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये रिपोर्ट करोगे कि मैं ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हूं या मैं ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं हूं, और ये है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। अभी सबसेक्शन 1 खत्म किया है, समझ आया आपको क्या कह रहे हैं? एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया का रेजिडेंट है, जहां पर पेरेंट एंटिटी बाहर का है, शैल नोटिफाई द प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी वेदर इट इज ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और डिटेल ऑफ पेरेंट एंटिटी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ कंट्री टेरिटरी ऑफ विच पेरेंट एंटिटी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज रेजिडेंट। बहुत छोटा सा फॉर्म होता है ये, देखिए यहीं खत्म हो जाता है, छोटा सा फॉर्म है इसमें। इंटीमेशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, जो इंडिया का रेजिडेंट है, द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। वो बताता है कि नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, एड्रेस, परमानेंट नंबर, नेम ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, नेम ऑफ पेरेंट एंटिटी, एड्रेस ऑफ पेरेंट एंटिटी, फिर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी की भी डिटेल आपसे मांग रहे हैं, नाम और एड्रेस। बस ये छोटा सा फॉर्म होता है, ये आसानी से भरा जाता है। आगे नंबर 2, फाइलिंग सीबीसी रिपोर्ट बाय पेरेंट एंटिटी या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया। आप ही बताइए इंडिया में सीबीसी रिपोर्ट कब फाइल होगा? भाई मैंने कहा आपको सीबीसी रिपोर्ट कौन फाइल करेगा? पेरेंट एंटिटी या ऑल्टरनेट रिपोर्ट, और कोई नहीं कर सकता फाइल। तो आप ही मुझे बताइए इंडिया में सीबीसी रिपोर्ट कब फाइल होगा? जब इंडिया में ही पेरेंट एंटिटी हो या इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हो। इसीलिए सबसेक्शन 2 कहता है फाइलिंग सीबीसी रिपोर्ट बाय पेरेंट एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी की बात नहीं कर रहा। इट मीन्स इफ यू आर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बट नॉट ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, नो नीड टू फाइल सीबीसी रिपोर्ट इन इंडिया। समझे नहीं समझे? The parent entity or alternate reporting entity, if it is resident in India, shall require to file CBC report within 12 months from the end of the reporting accounting year. याद रखिएगा ये filling the blank 12 महीने तक, जो accounting year है उसके end से 12 महीने तक CBC report file करना है। CBC report में देते क्या है? ग्रुप का revenue, ग्रुप के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, स्टेटेड कैपिटल, एक्यूमुलेटेड अर्निंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ टेंजिबल एसेट, ये कंट्री वाइज देते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं सीबीसी रिपोर्ट, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। जैसे 16 ग्रुप के सदस्य हैं अलग अलग देशों में, तो सभी के डिटेल को सबमिट करना है। ये क्या है? सीबीसी ना। ये देखिए सीबीसी का मेन, ये सीबीसी मेन रिपोर्ट है। देखिए यही चीज तो चाहिए, रेवेन्यू बताइए, इनकम बताइए, स्टेटेड कैपिटल बताइए, एक्यूमुलेटेड अर्निंग बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताइए, टैंजिबल एसेट बताइए। ये सीबीसी रिपोर्ट है, कंट्री बाय कंट्री बताना है ये सब कुछ। और ये कौन बताएगा? इंडिया में कौन बताएगा? हमको विदेश से मतलब नहीं है। अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया में है तो, या कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में, वो अपने आप को बताता है ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक तो मुश्किल लग ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो ये सेक्शन ही बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब सुनिए लॉजिक, सोचिएगा लॉजिक। इंडिया में तुम हो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी और तुमने हाथ खड़े कर दिए कि आई एम नॉट ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, तो सीबीसी रिपोर्ट तो इंडिया में सबमिट होगा नहीं। कहाँ सबमिट होगा इसकी खबर कौन देगा? अभी तो सिखाया था, तुम ही तो खबर दोगे कि सर आई एम नॉट ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड इज ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी या पेरेंट एंटिटी। तो मान लीजिए आपने खबर दिया एम लिमिटेड इज ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। मैंने कहा भाई और भी चीज़ बता दे, पेरेंट एंटिटी क्यों नहीं दे रहा है? कह रहे जी पेरेंट एंटिटी ने इनको जिम्मा दिया है। ओके ओके, कहाँ का है ये? मॉरिशस का है जी। अब बताइए समस्या, मान लीजिए मॉरिशस देश में सीबीसी रिपोर्ट सबमिट करने का कानून ही ना हो। सीबीसी रिपोर्ट का अगला स्टेप क्या होता है? जैसे मान लीजिए अमेरिका में बैठा था ए लिमिटेड, नहीं इंग्लैंड में बैठा था ए लिमिटेड इंग्लैंड में था, मान लीजिए इंग्लैंड में ए लिमिटेड बैठा था और वो सीबीसी रिपोर्ट सबमिट करता है अपने इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये कर्तव्य है आगे कि सीबीसी रिपोर्ट की कॉपी सभी देश के इनकम टैक्स अथॉरिटी से शेयर करें। ऐसे होता है ये रिपोर्टिंग। ये जो रिपोर्टिंग है ना, ये रिपोर्टिंग हमने नहीं बनाया, ये तो OECD मॉडल ने बनाया। OECD के मेंबर ने तय किया कि पूरे विश्व में अगर इंटरनेशनल ग्रुप है तो हमें वो ठग सकता है जब तक हमको सबकी खबर ना हो। तो ऐसा काम करते हैं, सीबीसी रिपोर्ट का कंसेप्ट लाते हैं, अभी लाए 2 साल पहले। तो अभी सरकार ने खुद हमारे देश में भी अब एक्सेप्ट हुआ कि ठीक है सीबीसी रिपोर्ट के लिए हम भी लॉ में लिखते हैं। ऐसे ही सभी देशों में लिखा गया होगा लॉ में, जो उसके सदस्य होंगे। अब कोई देश उसका सदस्य नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो मान लिया जाए कि ऑल्टरनेट अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी ए लिमिटेड है इंग्लैंड में, और वो ही रिपोर्ट कर रहा है, सीबीसी फाइल कर रहा है। तो इंग्लैंड में जब वो फाइल करेगा अपने अथॉरिटी को, तो अगला स्टेप है वो अथॉरिटी जापान, जर्मनी, यूएस, मॉरिशस, इंडिया, सभी अथॉरिटी को सीबीसी रिपोर्ट भेजेगा। सीबीसी में तो पूरे ग्रुप का डेटा है, तो हमें पता चल जाएगा, हो गया खबर। बस इतना ही तो काम है। सीबीसी रिपोर्ट कोई भूत नहीं है, इतना ही काम है कि हमको इंटरनेशनल ग्रुप के पूरी डिटेल चाहिए। अब पूरी डिटेल कौन देगा? कौन देगा साहब? पेरेंट एंटिटी देगा। किस देश में देगा? वो सारे देश में घूम घूम के देगा? वो अपने देश में देगा, उस देश का अथॉरिटी बाकियों में शेयर करेगा। क्लियर? और मान लीजिए पेरेंट एंटिटी कहता है भैया हमको और भी काम है, हम थके हुए हैं, ये सब काम हमको नहीं करना है, तो ठीक है तुम किसी एक को सुपुर्द कर दो। दैट विल बी कॉल्ड ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। फिर वो अपने देश में सीबीसी रिपोर्ट देगा और उस देश की अथॉरिटी बाकी देशों में शेयर करेगी। अब तुम बताओ, मान लो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो मॉरिशस में है, तो आर लिमिटेड का पहला फर्ज क्या है? इंडिया को कहे भैया आई एम नॉट ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, एम लिमिटेड इज ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, और ये रही उसकी डिटेल। डिटेल दे दिया। अब इनकम टैक्स विभाग सर पकड़ लेता है, कहता है भाई एम लिमिटेड इज ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। हाँ, गए काम से। क्यों जी? अरे उनके साथ तो हमारा DTAA है ही नहीं, तो डेटा क्या खाक एक्सचेंज करेंगे हमसे? गए काम से। दूसरा केस, उस देश में तो भैया कानून ही नहीं है सीबीसी रिपोर्ट फर्निश करने का। ओहो, अब क्या करें? तीसरा केस, उस देश में कानून तो है, उस देश के साथ हमारा DTAA भी है, लेकिन आजकल कुछ अनबन चल रहा है, मुझे नहीं लगता वो देगा। सिस्टमिक फेल्योर हो गया है। तो ऐसे 3 परिस्थितियों में आप कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में है, जो कि नहीं देते सीबीसी रिपोर्ट जनरल केस में, अब आपको देना पड़ेगा सीबीसी रिपोर्ट। अब आप जानो आपका हेडेक जाने दो। तो सर ऐसे में 2 सीबीसी रिपोर्ट फाइल हो जाएंगे? हो जाने दो। इंडियन गवर्नमेंट कहती है हमको अपने से मतलब है, दूसरे से क्या मतलब है? जिस देश में सीबीसी रिपोर्ट फाइल हुआ उस देश के साथ हमारा DTAA है ही नहीं, आएगा नहीं हमारे पास डेटा, चल तू फाइल कर, तू कैसे कर रहा तू जान। तो बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मात्र पेरेंट एंटिटी या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी ही सीबीसी रिपोर्ट दे सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी तभी सीबीसी रिपोर्ट देगा जब वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है। अब ये एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी ना होकर भी सीबीसी रिपोर्ट इंडिया को देगा। तो एग्जाम में ये पॉइंट एज इट इज आ जाएगा कि किस परिस्थिति में, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, constituent entity, even though it is not alternate reporting entity, furnishes CBC report. तो हमको क्या बताना है? हाँ, उसको हमको अपने से मतलब है, बाकियों में वो लोग समझें, वो भी यही नियम लगाएं। उनका अगर डेटा शेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ वाले जो हैं वही सबमिट करें। फाइलिंग ऑफ CBC report by constituent resident in India. Constituent entity, if parent entity or alternate reporting entity India का resident नहीं है, and parent entity is not obligated to file CBC by law of that country, दूसरी 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 केस, पेरेंट एंटिटी और ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी उस देश का रेजिडेंट है जहां, जिसके साथ हमारा तीसरा केस, पेरेंट एंटिटी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी उस देश का रेजिडेंट है जहां DTAA तो है लेकिन वहां सिस्टमिक फेल्योर है, और ये फेल्योर हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को बता रखा है। भैया ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को कैसे पता चलेगा कि भारत के साथ किस देश का अनबन चल रहा है? वो ये तो पता कर सकता है कि किस देश के साथ DTAA नहीं है, क्योंकि ये तो जग जाहिर है। DTAA तो आप साइट पर जाओ तो पता चल जाएगा किस देश के साथ है। तो आप ये ध्यान लिखिएगा, इवन दो यू आर नॉट, आप कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इन इंडिया रेजिडेंट, इवन दो यू आर नॉट रेजिडेंट ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, फिर भी आपको CBC रिपोर्ट फर्निश करना है। ये आपको हम नहीं बताएंगे फोन करके, यू मस्ट अवेयर दैट कि उस देश में CBC रिपोर्ट का प्रचलन नहीं है या उस देश के साथ इंडिया का DTAA नहीं है। लेकिन तीसरे केस में DTAA है बट सिस्टमिक फेल्योर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको ये इंटीमेशन देगा। दिखा आपको ये बात, इसमें प्लस करना जरूरी है लास्ट वाले में। तो 3 केस याद रखिएगा। प्रोविजो, इफ देयर आर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इन रेजिडेंट इन इंडिया, मान लीजिए इंडिया में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होते, तो भैया तुम लोगों में से आपस में देख ले किसको क्या करना है। देन इंटरनेशनल ग्रुप मतलब आप की बात कर रहे हैं, आप तो इंटरनेशनल ग्रुप है ना, वो क्या करेगा, डेजिग्नेट एनी वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी दैट शैल फर्निश्ड रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप। ये तब की बात है जब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया में होकर भी CBC रिपोर्ट दे रहा है, जबकि वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में है, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो इंडिया में है, पेरेंट एंटिटी जो इंडिया में है, टू प्रोड्यूस सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी विद इन 30 days एंड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर 30 days। यानी हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आपने तो बता दिया CBC रिपोर्ट में, या आपने नहीं बताया, विदेश से आया CBC रिपोर्ट, तो हम जरा इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आपसे कुछ चाहें तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चाहत है तब देना पड़ेगा, और वैसे CBC रिपोर्ट हमको 1 साल के अंदर अंदर फर्निश करना ही पड़ेगा। याद आया ना, 12 महीने के अंदर अंदर फर्निश करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट है CBC रिपोर्ट का कि कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 5500 करोड़ के ऊपर हो तभी करना। चलो जी, निश्चिंत हो जाओ, अगर छोटे मोटे इंटरनेशनल ग्रुप हो कोई चिंता की बात नहीं है, इग्नोर कर सकते। बात समझ आई? बताइए, एक है CBC रिपोर्ट, समझे क्या, एक है मास्टर फाइल और एक है लोकल फाइल। मास्टर फाइल सबमिट करना अनिवार्य है, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को। लोकल फाइल मेंटेन करना अनिवार्य है, किसको, जो भी इंडिया में, काहे का कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, जो भी इंडिया में इंटरनेशनल ग्रुप, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर होता है। भूल गए क्या? सब मिक्स हो गया भाई। लोकल फाइल का इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, लोकल फाइल तो सभी को मेंटेन करना है। आपने अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किए, आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर लग रहा है और पूरे साल में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 1 करोड़ के ऊपर है, तो आपको लोकल फाइल मेंटेन करना है। लोकल फाइल सबमिट नहीं करना, मेंटेन करना है, मांगूंगा तो देना है, नहीं अगर दोगे तो 92C सेक्शन में AO को पावर मिल जाएगा, वो आर्म्स लेंथ कैलकुलेट करेगा। याद आया? मास्टर फाइल का क्या, अगर तुम इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य हो तब तुमको मास्टर फाइल कीप, मेंटेन एंड सबमिट करना पड़ेगा। CBC नहीं, मास्टर फाइल, एंड CBC इज व्हाट, वो अलग चीज है। CBC अलग चीज है, वो तो पूरा में से कोई एक ही सबमिट करेगा। मास्टर फाइल हर कोई सबमिट करेगा अपने अपने देश में, समझे? बताइए पेनल्टी क्या है सीबीसी रिपोर्ट की। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में सबमिट करने के लिए मजबूर हुआ, या अगर हुआ मजबूर तो यहाँ ऑब्लिक डाल के लिखा हुआ है ना, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, या इंडिया में ही असली विलेन यहीं बैठा है पेरेंट एंटिटी। फेल टू फर्निश्ड सीबीसी रिपोर्ट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, यानी विद इन 12 month from the end of accounting year, by not more than 1 month, एक महीने से ज़्यादा डिले नहीं हुआ है तो 5,000 पर डे की पेनल्टी है, एक महीने से ज़्यादा डिले हो गया तो 15,000 पर डे की पेनल्टी है। और अगर आपको पेनल्टी ऑर्डर सर्व हो गया तो 50,000 पर डे की पेनल्टी है। मुश्किल था उस समय जब आप ये पढ़ रहे थे, क्योंकि पेनल्टी आपको पता नहीं, वैसे अभी भी आपने बैकअप में ही लिया है तो आपको पता नहीं। पेनल्टी में नहीं, मैंने पढ़ाया है आपको, अपील में भी पढ़ाया है ये चीज़। पेनल्टी पहले होता है इनिशिएट और तब होता है लेवी। दोबारा से सुन लीजिए, पहले पेनल्टी होता है इनिशिएट और तब होता है लेवी। इनिशिएट मतलब शो कॉज नोटिस और लेविड मतलब पेनल्टी ऑर्डर पास होना। मान लीजिए कि आप एक महीने डिले होने जा रहे हो, एक महीने का डिले हो चुका है, 5,000 पर डे की पेनल्टी तो चालू है साहब, डिपार्टमेंट से आप पे शो कॉज नोटिस आ गया, दैट इज पेनल्टी इनिशिएट नॉट लेविड। बताइए आप पर क्यों ना पेनल्टी लगा दी जाए, आपने सीबीसी रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है साहब। आपने कहा जी गलती हो गई, हम अभी सबमिट करने ही जा रहे हैं, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, 6 दिन के अंदर सबमिट कर देंगे। और आपने 1 महीने 6 दिन में सबमिट किया तो पेनल्टी लगेगी 1 महीने के 5,000 के हिसाब से और 6 दिन के 15,000 के हिसाब से। यहाँ तक समझे? ये तो तब हुआ जब पेनल्टी इनिशिएट हुआ बट लेविड नहीं हुआ, क्योंकि आपने गलती मान ली। केस 2, महीना गुजर गया आप दे नहीं रहे, या 20 दिन ही गुजरा हो आपने नहीं दिया अभी तक, आ गया शो कॉज नोटिस, 20 दिन गुजर गए, बताइए क्यों ना दे दीजिए पेनल्टी आप पर लगा दी जाए। आपने उसको इग्नोर किया, कहा ठीक है पेनल्टी हम दे तो रहे हैं, परेशान क्यों कर रहा है। तब वहां से पेनल्टी ऑर्डर पास हो गया, पेनल्टी ऑर्डर पास हो गया। अब आप ही सोचिए पेनल्टी ऑर्डर जब पास होगा तो उसमें पेनल्टी की रकम जोड़ दी गई होगी। अगर पेनल्टी ऑर्डर 1 महीने 9 दिन बाद पास हुआ होगा तो 1 महीने का 5,000 रुपये, 9 दिन का 15,000 रुपये कैलकुलेटेड होगा। अब उसके बाद जो डिले आप कर रहे हो उसकी पेनल्टी अलग से लगाऊंगा 50,000 पर डे। ये 50,000 पर डे ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद लगेगा। जैसे सपोज करें 20 दिन गुजरे थे, आपसे हमने कहा बता क्यों ना लगा दूं, आपने कहा अच्छा जो मर्जी आए करो, मैंने 25वें दिन ही पेनल्टी ऑर्डर पास कर दी तो मैंने 25 दिन का पेनल्टी तो लगा दिया होगा 5,000 के हिसाब से। अब उसके सर्विस से अगले दिन पेनल्टी ऑर्डर की जो सर्विस होगी आप रिसीव करोगे, उसके अगले दिन से जब तक पेनल्टी नहीं जमा करा देते, पेनल्टी नहीं सीबीसी रिपोर्ट नहीं जमा कराए थे, पेनल्टी जमा कराओगे सीबीसी रिपोर्ट, कंटिन्यू तुम्हारा डिफॉल्ट 50,000 पर डे की पेनल्टी। इसका लॉजिक समझे? क्योंकि पेनल्टी ऑर्डर वो पास करेगा कब, कभी ना कभी तो करेगा, तो जब वो ऑर्डर पास करेगा वहां तक तो वो जोड़ चुका होगा पेनल्टी, तो उसके बाद भी अगर सीबीसी रिपोर्ट आप नहीं सबमिट कर रहे हो तो ये पेनल्टी है। क्लियर हुआ? अगर आप फेल हो गए इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को फर्निश करने से, जो हमने आपसे मांगा था क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, तो 5,000 पर डे की पेनल्टी है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ परमिटेड टाइम। परमिटेड टाइम क्या था? 30 दिन, चाहो तो और बढ़ा लो, 30 दिन और बढ़ सकता है। और अगर आपने पेनल्टी ऑर्डर सर्व होने के बाद भी इस डिफ़ॉल्ट को कंटिन्यू रखा तो 50,000 पर डे, सेम एज पॉइंट नंबर 3। ठीक है। अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट में इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन सबमिट की तब पेनल्टी कितनी है साहब? 5 लाख रुपए। आइए, सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल में एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे इंटरेस्ट, एक्सेस इंटरेस्ट वाला पढ़ेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए जी, सेकेंडरी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। बताइए सेकेंडरी एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट किसे भी कहते हो वो तो बात की बात है, पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? आपके ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स लेंथ लगाने से या एपीए लगाने से या सेफ हार्बर रूल लगाने से अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़े हुए रकम को कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। आपने खुद से लगाया आर्म्स लेंथ प्राइस या एओ ने लगा दिया या टीपीओ ने लगा दिया या एपीए के हिसाब से चला, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के हिसाब से आपका आर्म्स लेंथ निकला है, या सेफ हार्बर रूल आपने फॉलो करवाया। अगर आपकी रिपोर्टेड इनकम इंक्रीज हुई है, रिपोर्टेड भी बोलना सही नहीं रहेगा, ट्रांजैक्टेड इनकम जिस पर आपने ट्रांजैक्शन किया है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को 40 करोड़ की रॉयल्टी पे की, आपने खुद ही लगाया आर्म्स लेंथ प्राइस और वो निकल के आया 30 करोड़, तो आपने खुद से ही 10 करोड़ की इनकम अपनी इंक्रीज कर दी। एओ ने कुछ नहीं किया, स्वीकार है एओ को सब कुछ, टीपीओ तक गया ही नहीं बात, तो सब कुछ ठीक रहा, बट आपने ही अपना आर्म्स लेंथ प्राइस लगाकर 10 करोड़ की इनकम बढ़ा दी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि जब आपकी इनकम एओ बढ़ा दे, जब आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किया है अगर वो इंक्रीज हो जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस से, चाहे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट वाला आर्म्स लेंथ प्राइस हो या सेफ हार्बर रूल वाला हो, तो इसे प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? प्राइमरी एडजस्टमेंट के बाद सरकार आपसे कहती है कि 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा तूने दे दिया ना, इसे तू 90 डेज के अंदर अंदर इंडिया में वापस मंगवा ले, और अगर तू नहीं मंगवा पाएगा तब करेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट कहेगा कि 10 करोड़ रुपए डीम्ड किया जाएगा कि आपने मनी लेंड किया है अपने फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज को, और चूंकि आपने लोन दिया है तो ब्याज भी होगा। मे बी आप ब्याज चार्ज नहीं, बट हम ब्याज डीम्ड कर लेंगे प्रेस्क्राइब्ड रेट जो हम बताएंगे उससे, और आपकी इनकम बनाते रहेंगे जब तक कि पैसा इंडिया वापस नहीं आ जाता, रिपार्टिएटेड टू इंडिया। समझ में आई बात? चलिए बताइए, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को रॉयल्टी पे किया 120 करोड़ का। आर्म्स लेंथ प्राइस हो सकता है एसएससी ने खुद ही निकाला, एओ ने निकाला, सेफ हार्बर रूल, टीपीओ इसी के अंदर आ गया, और क्योंकि टीपीओ डायरेक्ट तो नहीं करता ना, टीपीओ तो एक कैलकुलेट करके एओ को दे देता है, तो एओ ने ही निकाला। सेफ हार्बर रूल, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग आपका 70 करोड़ तय हो गया। तो बताइए आपकी इनकम कितने करोड़ से बढ़ गई? 50 करोड़ से। आपने 120 का ट्रांजैक्शन किया तो 50 करोड़ से इनकम बढ़ गई। नेट प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज बाय 50 करोड़। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये तब करना है जब 90 दिन के अंदर अंदर इंडिया में पैसा वापस नहीं आता। क्या मान लेना है कि विदेशी ने लोन लिया है हमसे, तो विदेशी एसोसिएट एंटरप्राइज का खाता डेबिट कर देंगे और P&L क्रेडिट कर देंगे। नाउ 92CE कहता है इफ़ 50 करोड़ इज नॉट रिपार्टिएटेड विद इन 90 डेज इट विल बी डीम्ड एज अ लोन गिवन टू फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड इंटरेस्ट विल बी डीम्ड टू बी अराइज इन द हैंड्स ऑफ इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज एट द रेट प्रेस्क्राइब। No need to make secondary adjustment if value of primary adjustment does not exceed 1 crore। प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ के नीचे है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट से मुक्त करते हैं। एक्सेस मनी किसको कहेंगे? जो प्राइमरी एडजस्टमेंट की मनी होगी उसे एक्सेस मनी कहेंगे, जो पैसा ज़्यादा चला गया भारत के बाहर। रूल नंबर 10CB कहता है कि एक्सेस मनी आपको 90 डेज तक लाना पड़ेगा। 90 डेज कहाँ से लेना है? एग्जामिनर में आस्क यू 90 डेज कहां से लेना है? 90 डेज तो तुम बोल रहे हो, लेना कहां से? तो यहां पर हम देखेंगे अगर एसएससी ने खुद से अपनी इनकम बढ़ाई है तो आईटीआर के ड्यू डेट से 90 डेज लेना है। हो सकता है खुद से कैलकुलेट करके बढ़ाई हो सकता है खुद से आर्म्स एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट लगाकर बढ़ाई हो सकता है खुद से सेफ हार्बर रूल के अकॉर्डिंग बढ़ाई हो सकता है DTAA के अकॉर्डिंग बढ़ाई हो। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस SSC ने डिक्लेयर किया तो ITR से 90 दिन तक, ITR के ड्यू डेट से 90 दिन तक आपको लाना पड़ेगा। अगर AO ने, TPO ने, CIT अपील ने, ITAT ने, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला और SSC ने उसे स्वीकार किया है, जैसे अगर AO ने निकाला, SSC कहता है मैं नहीं मानता, जा मैं CIT अपील पे जाऊंगा, तो आपको अभी पैसे नहीं लाने, CIT अपील क्या पता आर्म्स लेंथ प्राइस कम कर दे। CIT अपील कहता है ना ना बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं हम नहीं मानते, जाओ ITAT पे जाएंगे। ITAT से आगे सर यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, इसलिए कहाँ रुक गए हम? ITAT तक। ITAT के फैसले तक मैक्सिमम हम रुक जाएंगे और जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसके 90 दिन तक। ये ऑर्डर किसका है बेटा? जहां आप एक्सेप्ट करते हो, ओके AO ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला, आपने कहा ओके, तो AO के ऑर्डर से 90 डेज। AO ने निकाला, आपने कहा चल CIT अपील पे जाऊंगा। CIT अपील ने निकाला, आपने कहा ओके, तो वहां से 90 डेज। CIT अपील ने निकाला, आपने कहा नहीं मानते, ITAT जाऊंगा, तो ITAT के ऑर्डर के 90 डेज। ये 90 डेज कैसे लेना है समझ आए? इंटरेस्ट कितना चार्ज करना होता है जी? अगर लेन देन रुपया में हुआ है तो SBI के लैंडिंग रेट में 3.25% जोड़ के, और अगर लेन देन डॉलर में हुआ है तो LIBOR के ऊपर 3% जोड़ के। LIBOR और SBI का किस दिन का रेट लेना है? SBI का तो 1 अप्रैल का लेना है, LIBOR का लेना है 30 सितंबर का। ठीक है साहब, इस तरह से आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है साहब, गुड।